subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. कश्तियां सब के किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। आज की इस सभा में ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच अपने सभी किसान भाइयों के साथ पधारे हैं और जिस गांव की पंचायत और उसके सरपंच का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है वो है जयगढ़ गांव की पंचायत और उसके सरपंच चौधरी अमर सिंह जी। आइए अमर सिंह जी, आइए मंच पर पधारिए। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जयगढ़ की बंजर पड़ी हुई जमीनों से सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी गन्नों की फसल पैदा करके देश में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, इसलिए राज्य की तरफ से इन्हें किसान शिरोमणि की उपाधि के साथ ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। और भाइयों, अपनी ओर से मैं इन्हें एक ट्रैक्टर भेंट करता हूं। अमर सिंह जी, ये किसान भाई आपसे कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। ठाकुर साहब मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गए। मैं तो आप सबकी तरह एक किसान हूं। खेती करना मेरा कर्म ही नहीं, मेरा धर्म भी है। हमारा ये विशाल देश, जहां गंगा जमुना सरस्वती जैसी सालों साल बहने वाली नदियां हैं, हमारे पास ये लोग हैं, ये धरती है, ये पानी है, लेकिन हम नारेबाजी ज्यादा करते हैं और काम कम। हम स्कीमें ज्यादा बनाते हैं और उन पर अमल कम करते हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों, हमें खेती करके हल और ट्रैक्टर चलाकर इतनी फसलें पैदा करनी है ताकि हमें अपना और अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए किसी दूसरे के सामने अपनी झोली ना फैलानी पड़े। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हरे कृष्ण। देखो देखो भाइयों, ये है आप सबकी मेहनत का फल। इस साल का इनाम हमारे गांव को मिला है। सरकार की तरफ से जो ये मान और सम्मान हमें मिला है, इसके अधिकारी मेरे साथ साथ आप सब भी हो। नहीं नहीं चौधरी साहब, मान सम्मान के अधिकारी तो सिर्फ आप हैं। आपने तो हमें रास्ता दिखाया, हम उस पर चल पड़े। काका चल पड़े ठीक ही हुआ, नहीं तो शक्कर और तेल का मिल मालिक ठाकुर प्रताप हम सबकी जमीन हड़प कर जाता। चौधरी साहब, अभी तक ठाकुर के चंगुल से हम सबको छुटकारा कहाँ मिला है? बस यूँ समझ लो कि हाथी निकल गया है और दुम रह गई। इस साल की फसल की कीमत ठाकुर को चुकाते ही उसका सारा कर्ज ब्याज समेत अदा हो जाएगा। बस फिर तुम सब अपनी अपनी जमीनों के मालिक हो जाओगे। चौधरी साहब, ये ठाकुर प्रताप सिंह कोर्ट कचहरी कायदे कानून सब अपनी जेब में रखता है। देखो भाई, पानी और मिट्टी यही दो चीजें तो किसान की जिंदगी। मैं जब तक जीऊंगा इन्हीं दो चीजों के लिए जीऊंगा।
और जब मैं मरूंगा तो पानी और मिट्टी में ही समा जाऊंगा। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी प्रतिज्ञा। मेरे मरने के बाद मेरी आधी अस्थियां गंगा जल में और आधी इन खेतों की मिट्टी में मिला देना। ये कैसी अनहोनी बात मुंह से निकाल रहे हो जी? अरे शारदा, तुम कब आई? तुमने ये ट्रॉफी देखी और ये ट्रैक्टर भी इनाम में मिला है। मैं तो कब से खड़ी सब देख रही हूँ, तुम्हें सुन रही हूँ। चलो खाना खा लो, चलो। अरे आज खाना लेकर तुम कैसे आए? विक्रांता कहाँ है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है ना। अच्छा अच्छा, तो वो जीनत से राखी बनवा रहा होगा। सकीना भाभी भी आए हैं क्या? उन दोनों के भरोसे तो घर छोड़कर आई हूँ। इसका मतलब तुम्हारा लाडला आज त्योहार के दिन भी ना यहाँ आया और ना ही घर पर टिका। बच्चा है, तुम खाना खा लो। देखो शारदा, तुम्हारे ही कहने पर मैंने पंडित को बुलवाया, मुहूर्त निकलवाया, पूजा करवाई और तब जाकर इस फार्म का नाम विक्रांता फार्म रखा है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसको कहीं का नहीं रखा। अब जीनत को बहन बना के उसका भाई बना है तो भाई का धर्म तो निभाना चाहिए ना। वो आज मेले में गया है। ने शेरा को लेकर? हाँ। अब आपके सामने आ रहे हैं निराले दिल वाले विक्रांत दास। जंगल चलो। श्रीमती जी, ये मुर्गा नहीं मेरा शेरा है, शेरा। इसकी भी टिकट खरीदी है मैंने और वो भी पूरी। तो आपका मुर्गा भी नाच देखेगा क्यों? श्रीमती जी, ये नाच देखे बिना दाना ही नहीं खाता। बिल्कुल नहीं खाता। सुना आपने? जी हाँ जी हाँ। और हाँ, शास्त्रीय संगीत के सारे सुर याद है इसे, ये तो सुना दूं। बोल शेरा। ये सारे गामा पा आप अपने पास रखिए, समझे? हाँ।
कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी। यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी? Thank you.
बेटे प्यार देख, अरे छोकरी क्या नाची है, क्या नाची है, सारी पब्लिक पागल हो गई है प्यार। डैड आई एम वेरी ग्लैड, शो सारा हाउसफुल, पैक जैम, मामला फिट, ऑल इंडिया हिट, भरी गई हो रे, भरी गई हो। तेरी तो तिजोरी भर गई सेठ, मगर अपनी टंकी खाली है। ये राज के प्रोग्राम का अपना हिस्सा। राजा, प्रोग्राम तू नहीं करता, निमो करती है। निमो निमो मेरी बेटी है सेठ, निमो मेरी बेटी है, समझा? अबे बेवड़े, साफ साफ सुनना है तो सुन। तू अपनी बेटी की सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, इसे तेरी बेटी ने सख्त ताकत दी है। अगर मेरी कमाई तुमने मेरे बापू को दी तो मैं नौटंकी में कभी काम नहीं करूंगी, कभी नहीं, समझे? अरे वाह, अपनी गैया अवन को सिंह मार रही है, अभी जाकर पूछता हूँ। डैड, दिस बेवड़ा ही वेरी बैड। भगवान ने भी अजीब बेटा दिया है। वाह, देखा सकीना, जिसे वार त्योहार का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आज रक्षाबंधन है, सुबह से बहन भाई का इंतजार कर रही है, मगर उसको कोई चिंता ही नहीं है। अरे बच्चा है शारदा। क्या बच्चा है? बेटी जीनत जी, चला जा, तू भी खाना खा ले। चाची जान, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे तू विक्रांता के चक्कर में रह जाएगी ना तो तेरा तो बिना रमजान के रोजा हो जाएगा। होने दीजिए। लेकिन बेटी, ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि राखी बांधने के बाद खाना खाया जाए। चाची जान, रिवाज हो या ना हो, मैं तो हर साल की तरह पहले राखी बांधूंगी, फिर मिठाई खिलाऊंगी, उनकी सलामती के लिए दुआ मांगूंगी, फिर खाना खाऊंगी। अरे मगर अगर आप दोनों को भूख लगी हो तो खाना खा लीजिए। तुम जा। शारदा बहन, इसकी बातों का बुरा मत मानना, बहुत जिद्दी है। जानती हूँ, मेरी ही गोद में खेलकर बड़ी हुई है। तुमने इसकी शादी के लिए कोई लड़का देखा? जीनत के मामू ने शहर में किसी जगह बात की है, मगर बात करने से क्या होता है बहन। सकीना, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, भूल गई क्या? तेरे मियाँ और मेरे पति ने एक दूसरे को वचन दिया था कि विक्रांता की बारात तेरे घर से निकलेगी और जीनत बेटी की डोली मेरे घर से उठेगी। भगवान सब ठीक करेगा। चल खाना खा ले। भाईजान, बाजे गाजे के साथ चाची जान, अरे चाची जान, चाची जान, भाईजान बाजे गाजे के साथ जुलूस लेकर आ रहे हैं। हाय राम, न जाने किसका जुलूस निकाल कर आया है ये, किसकी नक्सीर फोड़ी होगी इसने। अरे वीरू, दुआ कर के बाबूजी घर पर ना हो और माँ के चरण छूकर आशीर्वाद ले सकूं। क्यों शेरा, चल चल। तथास्तु। जीनत भाई जान, शेरों की आन। अरे तेरा भाई तुझ पे है कुर्बान, आज राखी है। ओहो, देर आने की माफी है। ये ले अपने हाथों से बांधे राखी, ताकि तेरे प्यार की शक्ति से तेरे भैया की कलाई और भी मजबूत हो जाए। मजबूत नहीं, फौलादी हो जाए। ये ले, तू भी खा। अरे सकीना चाची। चाची सलाम। जीते रहो बेटा, सलामत रहो, शाद रहो, आबाद रहो, दुश्मनों का मुंह काला हो। अरे वही तो करके आ रहा हूँ आपकी दुआ से। माँ, ए माँ, माँ, अरे माँ, आशीर्वाद दे दे अपने बेटे को, पंद्रहवा मैदान मार के आ रहा हूँ। और ये देख शेरा, शेरा ने 70वां मैदान मारा है, इसे भी प्यार कर ले, बेचारा बेजुबान है, ले ले। तू और तेरा ये मुर्गा, तेरे शौक के खातिर तेरे पिता से सैकड़ों बातें सुननी पड़ती है मुझे, चल परे हट। अरे माँ, हे माँ, तू नाराज हो गई? तुझे क्या है मेरी नाराजगी से, कौन होती हूँ मैं तेरी, और फिर तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? हे माँ, तूने तो बड़ा भारी सवाल कर दिया। दुनिया के सारे रिश्ते जन्म लेने के बाद बनते हैं, शुरू होते हैं माँ, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता माँ के पेट से शुरू होता है और उसका अंत होता है उसकी मौत पर। विक्रांता, विक्रांता माँ, मेरे बेटे। Thank you.
कब से है आला। रिश्ता तेरा मेरा कब से है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा कब से है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का रिश्ता है ईसा का जो मरियम से, बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये सारे जहां से निराला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है याला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तूने पैगंबरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। माँ तूने पैगंबरों को जना है, संसार तेरे ही दम से बना है। तू मेरी पूजा है मेरी, तूने मुझे अपने सांचे में ढाला, तूने मुझे अपने सांचे में ढाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। जन्मदिन मनाए, मांगे मुरादे दुआएं लुटाए, हर साल मेरा जन्मदिन मनाए। खाली कभी भी ना हो तेरी गागर, माँ तेरे अंदर है ममता का सागर। ममता के आंचल में मुझको है पाला, ममता के
तुझको है पाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। कुर्बान तुझ पे मेरी हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है। कुर्बान तुझ पे मेरी हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है। कर चोट पहुँचे कभी मेरी माँ को, मैं फूंक दूंगा जमी आसमां को। जिसको मिली माँ वो तकदीर वाला, जिसको मिली माँ वो तकदीर वाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। शाबाश बेटा, शाबाश। बेटे तेरे ये गीत, तेरे ये विचार आज के दौर में उन बहके हुए नौजवानों के लिए पैगाम है जो अपने बूढ़े माँ बाप को एक बेकार का पुर्जा समझकर आश्रम में फेंक देते हैं। पिताजी, बेटे तुझमें सभी गुण तो मौजूद है लेकिन ये तीतर बटेर मुर्ग लड़ाना हमें शोभा नहीं देता। हम ठाकुरों का काम है अपनी जमीन की रक्षा करना, अपने हरे भरे खेतों को लहलहाते हुए देखना, हल की इज्जत करना, और अगर वक्त पड़ जाए तो मैदाने जंग में अपने दुश्मनों के खिलाफ बंदूक उठाना। बेटा, मैं अपने जीते जी जिंदगी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुझे सौंप देना चाहता हूं। चल मेरे साथ भगवान के मंदिर चल। बेटा, आज हमने अपनी खानदानी बंदूक तुम्हारे हवाले कर दी है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन। बेटे, ये बंदूक और ये गोली, ये दोनों बेजान चीजें होती हैं। अच्छे और बुरे की तमीज ना इस बंदूक में है और ना इस गोली में, लेकिन इसे चलाने वाला एक जानदार इंसान है। अगर वो चाहे तो किसी की जान ले भी सकता है और जान बचा भी सकता है। इसलिए तेरा ये फर्ज है बेटा कि तेरी ये बंदूक जब भी चले देश के लिए चले, मजलूमों की हिफाजत के लिए चले, जुल्म के खिलाफ चले। पिताजी, आपकी ये शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगा। वाह चौधरी साहब वाह। नमस्कार। बंदूक के साथ अहिंसा का शांति पाठ, आप तो दो लाइन में गीता का सार कह गए। ठाकुर साहब, ये सिर्फ गीता का ही नहीं, वेद, कुरान, बाइबल, सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़। वाह चौधरी साहब वाह। बापू, ये क्या बाप होकर अपनी बेटी को बेच रहे हो? अरे बेच कौन रहा है बेटी, हम तो सिर्फ गिरवी रख रहे हैं, गिरवी, वो भी 50,550 रुपए में। सौदा तो 50,000 में तय हुआ था, ये 550 कहाँ से आ गए? 50,550 मंजूर है तो माल निकालो और छोकरी संभालो, वरना तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। राजा, सौदा मंजूर है। पवनलाल, रकम दे दो। जी बापू।
पापा मुझे अपने से जुदा मत करो। मैं फैजाबाद के मेले में दिन रात नाचूंगी और जो कुछ भी कमाऊंगी वो सब तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगी। और तुम्हें कभी शराब पीने के लिए भी मना नहीं करूंगी, कभी मना नहीं करूंगी पापू। अरे बेटी, तो दो दो रुपए के टिकटों में क्यों जगह जगह नाचती फिरती है? फैजाबाद, इलाहाबाद, मलिहाबाद, औरंगाबाद, ये जितने भी बाद हैं, मैना सुंदरी की महफिल में आबाद हैं। तुम मेरे साथ चल, मैं मेलों खेल तमाशों में नाचने वाली निम्मों को अपनी महफिल की शमा बना दूंगी, जिसकी रोशनी में बड़े बड़े राजा, रईस और नवाब परवानों की तरह चलकर आएंगे, चलेंगे, मिटेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही कह रही है बेटी, बिल्कुल सही। दिल छोटा ना कर बेटी, और फिर बेटी जात को बाप के घर से एक ना एक दिन विदा तो होना ही है, तो हमेशा के लिए थोड़ा जा रही है। हा? सुना था बापू कि मरने के बाद लावारिस लाशों को गीत नोच नोच कर खाते हैं, पर तुम तो अपनी जिंदा बेटी को ही। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम, है कैसी बातें कर रही हो तुम? इसका सारा रुपया लौटा कर तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा बापू, ये सारा रुपया इन शराब की बोतलों में डूबकर तुम्हें भी डुबो कर ले जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर न कभी तुम्हारे पास इतना रुपया आएगा, न कभी मैं लौट कर आऊंगी। भगवान तू सब कुछ देना, पर मेरे बापू जैसा बाप किसी बेटी को न देना। ये गोटे दान लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटे दान लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटे दान लहंगा निकलूं जब डाल के। चुड़िया चल जाए, चुड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, चुड़िया चल जाए। जीती रहो, जीती रहो। लड़कियों देख क्या रही हो, अब छुरियां तो इसकी चाल पे चलेंगी, मगर ये है कौन? ये निम्मो है, लेकिन आज से इसका नाम हम नूरी रखेंगे। आई ब्रदर जॉन, तुम्हारे अड्डे पर पुलिस वाले भी दारू पीने को आते हैं क्या? नहीं तो। गुड इवनिंग सर। अरे पिलाओ इन्हें पिलाओ, आज ही हमारे मेहमान है। मेहमान तो तू हमारा है, तेरा नाम शंकर है ना? अरे साहब, शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर होंगे, अरे मैं तो राजा हूँ, राजा धरती का राजा, क्यों? हाँ हाँ साहब, ये ठीक बोलता है। ये बहुत अच्छा आदमी, इसका नाम राजा है। नाम और लिबास बदलने से आदमी अच्छा नहीं होता जॉन, ये एक फरारी मुजरिम है। इसे 20 साल पहले हमने हशीश, ब्राउन शुगर, गांजा और चरस के साथ पकड़ा था। अरे फेंको इसे। अरे साहब फेंक तो रहा हो इसे, लेकिन अपने पेट में कैश माल दिया है, रोकड़ा कैश। क्यों? चलो चलो। अरे अपनी अपनी गाड़ी आगे लाना रे सब लोग। ये क्या मुनीम जी, भाव क्या लगाया है? फिर वो गिनती आ गई है, वही लगाया जो पिछले साल भाव लगाया था। लेकिन मुनीम जी, इस साल सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ा दिया है। चौधरी, भाव सरकार ने बढ़ाया है, ठाकुर साहब ने नहीं, और मैं ठहरा मुनीम, जो मालिक कहेंगे वही भाव दूंगा, है ना? तो फिर ठीक है, जाओ जाकर पूछ लो अपने मालिक से। ए बंसी, सरजू, चलो गन्ने डाल लो वापस गाड़ियों में। अरे अरे चौधरी क्या कर रहा है, मालिक शिकार पे गए भाई। देखो मुनीम जी, मैं इन लोगों को कल तक ही रोक सकता हूँ, लेकिन अगर गन्ना बाजार के भाव बिकेगा तो, ये बात तुम भी समझ लो और जाकर अपने ठाकुर साहब को भी समझा दो। चलो भाइयों, चलो चौधरी, पानी में पकौड़े तलने की कोशिश कर रहा है तू, छोड़ो को। अरे यार हरनाम। पाई लागू चाचा जी। फिर बेटे कब आए, कैसी रही तुम्हारी मंदिर की यात्रा? चाचा जी, दिल में दया और प्यार की भावना और जाग उठी, अकल के दरवाजे खुल गए। आपके लिए और अपने यार जसवंत के लिए सलामती की दुआएं मांग करा रहा हूं। ये लीजिए प्रसाद। धन्यवाद। बड़े हुकुम, छोटे हुकुम, पाई लागी। जीते रहो।
मुनीम जी, जी कैसे हो, क्या चाल है? अजी हाड़ का हो गया बवाल और चाल पलट दी गई। क्या मतलब? अजी वो किसान जो गन्ने की गाड़ी भर कर लाते थे वो अमर सिंह के कहने से गाड़ी वापस लेके चले गए। हाँ जी, वो अमर सिंह क्या हुआ है कि गन्ने का भाव 50 रुपया क्विंटल बढ़ेगा इस साल से। ओम शांति। अमर सिंह ठीक कहता है मुनीम जी। चाचा जी, कितना बड़ा है तो मालूम नहीं पर भाव बड़ा जरूर है। अरे ब्रदर, ये भाव के घटने और बढ़ने का धर्म कांटा हमेशा डैडी के हाथ में ही रहा है, इसलिए सब इन्हीं पे छोड़ दो। छोटे हुकुम ठीक करा। मुनीम जी, जी अमर सिंह से कहो कि कल हमारे यहाँ आए और किसानों की जमीनों के सारे कागजात लेकर आए। ठीक? जरूर जरूर हुकुम, जरूर। ये मुआ मुनीम फिर से कैसे आ गया? ये जब भी आता है मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। तो घबराया मत कर, ये ले गांव वालों की जमीनों के कागजात की नकल जेरोक्स कॉपी। असल में लेकर ठाकुर साहब के यहाँ जा रहा हूँ। असली लेकर क्यों जा रहे हो? घबरा मत, आज ठाकुर साहब इन कागजात पर दस्तखत कर देंगे, उसके बाद गांव वालों की जमीनें हमेशा के लिए उनकी अपनी हो जाएंगी और गांव वाले ठाकुर साहब के चंगुल से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। तू घबरा मत, इनको बस संभाल के रखा। आइए मुनीम जी चलें। चलिए, प्रणाम प्रणाम, ओम शांति चौधरान। अमर सिंह तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जमीनों के कागजात लेकर आए हो? जी ठाकुर साहब, बस इस आखिरी किस्त के बाद किसानों की जमीनें उनकी अपनी हो जाएंगी। चौधरी जी, आखिरी किस्त देने की कोई जरूरत नहीं, उल्टे हम किसानों को कुछ देना चाहते हैं। ये लीजिए 5 लाख रुपए, इनमें से जितने चाहे रख लीजिए आप, बाकी किसानों में बांट दीजिए। बस वकील साहब के तैयार किए हुए इन स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर दीजिए। क्या लिखा है इनमें? यही कि ये 5 लाख रुपए देने के बाद इन सारी जमीनों के मालिक ठाकुर साहब हो जाएंगे। वही किसान उसमें खेती करेंगे जिसकी उन्हें मजदूरी मिलेगी, लेकिन फसलों के मालिक किसान नहीं ठाकुर साहब होंगे। नहीं नहीं वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जमीन तो किसान की रोजी रोटी होती है, अगर वो अपनी जमीन किसी दूसरे को बेच देगा तो फिर खुद क्या खाएगा? मैं ये अपनी तरफ से नहीं तमाम किसान भाइयों की तरफ से कह रहा हूँ, हमें ये सौदा मंजूर नहीं है। मंजूर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा अमर सिंह। हाँ, इन कागजात पे दस्तखत करने के बाद हम तुम्हें 1-2 लाख और दे सकते हैं। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं ठाकुर साहब? आप अमर सिंह को नहीं जानते, 1-2 लाख तो क्या, 2 करोड़ में भी आप मुझे नहीं खरीद सकते। नमस्कार। अरे चौधरी साहब, ये भाषण वाचन छोड़िए और कागजात पर साइन कर दीजिए। नहीं थानेदार साहब, मैं हरगिज साइन नहीं करूंगा। रोको इसे। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। दस्तखत तो तेरे फरिश्ते भी करेंगे। मैं हरगिज नहीं करूंगा। तुम बंदूक से क्या, तोप से मुझे उड़ा डालो, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों के साथ धोखा नहीं करूंगा। ओ, क्यों वकील साहब? जी, दस्तखत की जगह अंगूठा चलेगा? आपका खानदानी वकील हूँ, अंगूठे से ही काम चला लेंगे। मुनीम जी, तूने मुझे तो मार दिया ठाकुर, लेकिन तू सच्चाई को कभी नहीं मार सकेगा, कभी नहीं। बेटा, इससे पहले कि ये बेजान हो जाए तमाम कागजात पे इसके अंगूठे लगवा लो। डैड, अंगूठा मुर्दे का हो या जिंदा का, निशान एक जैसा ही छोड़ता है। ठीक है वकील साहब, अंगूठा लगाइए। आहिस्ता आहिस्ता। बाबूजी कहाँ गए? हे भगवान,
क्रांता। बाजू हटो। ये सब क्या? चौधरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। देख लिया गांव वालों, देख लिया तुम सबने ठाकुर का जुल्म। तुम्हारे चरणों की कसम बाबूजी, ठाकुर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसको। नहीं नहीं बेटी, तू कानून अपने हाथ नहीं लेगा, मैं तुझे बागी बनने नहीं दूंगी। हम इन्हें लेके पुलिस थाने चलते हैं। हाँ, पुलिस थाने चलते हैं। ए, क्या ये सब? ये पुलिस थाना है कोई शमशान घाट है? जो मुर्दा को लेकर अंदर चले आ रहे हो? इसकी लाश है जे? ये लाश मेरे पिता चौधरी अमर सिंह की है। आत्महत्या कर ली या किसी ट्रक के नीचे आ गए? ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में इनका खून हुआ है। हा? ये लाश तुम्हें कहां से मिली? गांव के चौराहे पे। गांव के चौराहे पे? तो फिर ठाकुर साहब की हवेली में यह खून कैसे हो सकता है? पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने पुलिस को बुलाए बिना लाश को हाथ कैसे लगाया? मालूम है तुम्हें कत्ल के सबूत मिटाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है? थानेदार साहब, हम यहाँ अपने सरपंच के खून की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। खामोश! ये तुम लोगों का पंचायत घर नहीं, पुलिस थाना है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, और फिर यहाँ शरीफों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। सच झूठ का फैसला पुलिस थाने में नहीं, अदालत में होता है साहब। आपका काम सिर्फ रिपोर्ट लिखना है, वो लिखिए। अब मेरा काम क्या है वो मुझे तुम जैसी गवार औरत से सीखना पड़ेगा। खोटे! जिलों मत छोड़े। एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाने से पहले अपने बाप की लाश को ले जाओ यहाँ से। इन सबको धक्के मार के बाहर निकालो। पहले रिपोर्ट लिख। नहीं बेटे, ये झगड़ा करने का समय नहीं है, छोड़ दे इसे। छोड़ दे, छोड़ दे बेटे, चलकर अपने पिता को अग्नि दे दे। देख लिया तूने माँ, यहाँ कानून के कुएं से पाप की खेती सींची जाती है, यहाँ तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माँ। खोटे, तुम यहाँ कैसे? ठाकुर साहब, वो छोरा विक्रांता आया था अपने बाप की लाश उठाकर सारे गांव वालों के साथ मेरे पुलिस स्टेशन में आप दोनों के खिलाफ मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने। और तुमने रिपोर्ट लिख ली? छोटे ठाकुर, मेरा नाम भी खोटे है। खोटे क्यों डालें? मैंने साले की खरी रिपोर्ट को एकदम खोटा बनाकर बिना कुछ लिखे साले को धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। अरे वाह रे खोटे, ये तो तुमने बहुत खरा काम किया। तो छोटे डागर, तो आप भी कुछ खरे खरे, कुछ अरे अरे, कुछ बड़े बड़े और कुछ हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये लो। सबकी क्यों रोक दी? ये भीड़ कैसी है और ये छोकरा कौन है? विक्रांता नाम है मेरा। बड़े हुकुम, ये अमर सिंह मुखिया का छोरा है। और वो जो बीच में खड़ी है ना,
मुखियानी इस छोरे की माँ है। तेरे इन हांडियों में क्या है? ठाकुर, इस गांव का मुखिया चौधरी अमर सिंह, जिसने इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा, जो इन किसानों के लिए लड़ते लड़ते एक जालिम के जुल्म का शिकार होकर इन हांडियों में समा गए। मैं उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी आत्मा की शांति के लिए इन अस्थियों का आधा हिस्सा खेतों में और आधा गंगा मैया में डालने जा रहा हूं। भाई आदमी कैसा ही हो, लेकिन मरने के बाद उसके बेटे को तारीफ ही करना चाहिए। मतलब? मतलब जानना चाहती है तो सुन, और गांव वालों तुम भी सुन लो। मैंने 5 लाख रुपए अमर सिंह को तुम लोगों में बांटने के लिए दिए थे, लेकिन 5 लाख देकर उसकी नीयत बिगड़ गई। मगर भगवान ने उससे फौरन बदला ले लिया। वो रुपए लेकर गांव से भाग रहा था कि किसी बदमाश लुटेरे ने उसे पकड़कर मार लूट लिया, उसे मार दिया। ऐसे पापी की अस्थियां गंगा में डालकर गंगा माता को नापाक कर रहा है। अरे किसी गंदी नाली में जाकर इसको डाल दे और अपना सर मुड़ा दे, तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। ठाकुर, इतना घमंड मत कर, भगवान से डर। माँ, ये सबसे बड़े ठाकुर है इस गांव के। लगे छोरे के भेजे में आपकी बात आ गई। आजा बेटा विक्रांतु, आजा बेटा विक्रांतु, आजा। हुकुम के जितना से मिट्टी खिकोर के टीका कर ले। करूंगा, जरूर करूंगा मुरीन जी। जन्म सफल हो जाएगा तेरा। अबे चल। नहीं बेटे, नहीं विक्रांत, नहीं, नहीं बेटे, नहीं 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 नहीं। तू मेरा बेटा, मैं गांव के नाते तेरा चाचा हूँ बेटा, तेरे पैर की मिट्टी उठा के मैं तिलक कर लेता हूँ। मुनीम। हाँ बेटा। इसका क्रियाकर्म करने से पहले इसके बेटे जसवंत से कह देना कि वो अपना और अपने चमचों का सर मुंडवा कर इसकी अस्थियां गांव के गंदे नाले में फेंकवा दे, ताकि इस पापी ठाकुर के आत्मा को शांति मिल सके। बेटा बेटा बेटा, इसे मैं ले जाता हूं मां गंगा मैया में अर्पण करने, और इसे तू अपने हाथों से खेतों में डाल देना। जा बेटा, तुझे अल्लाह की हिफाजत में दिया। जय विक्रांता। छोटे को विक्रांता ने सारे गांव वालों के सामने बड़े हुकुम के गोली मार दी। तड़प तड़प के प्राण निकले इनके। उस हरामजादे के घर में आग लगा दो, फसलें बर्बाद कर दो, तबाह कर दो उसे। मेरे साथ ले। नहीं शांता बहन, मत जाओ, ये शैतानों की मंडली है। या अल्लाह, आग! भगवान जाने किस जालिम ने मेरा घर जला दिया। विक्रांता भैया, विक्रांता भैया, तुम्हारे घर में आग लग गई है। कैसे? भैया,
सब कुछ जल कर राख हो गया बेटा। माँ, इसी घर में तेरा जन्म हुआ था, इसी घर में तेरे पिताजी ने तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया था। अब पिताजी भी नहीं रहे और ये घर भी नहीं रहा, सब कुछ चल कर राख हो गया बेटे। रो मत माँ, मैं पिताजी के आदर्शों और असूलों को हमेशा जिंदा रखूंगा, लेकिन सर झुकाकर और हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि अपनी ताकत के जोर पर और बाजुओं के बल पर। चल माँ, हाँ मेरे साथ। नहीं बेटे, ये तेरे बापू की अस्थियां अपने खेतों में डाल दो, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। विक्रांता, पुलिस! विक्रांता, तू जा, भाग जा यहाँ से। हाँ बेटा, खुदा के लिए भाग जा, जा। माँ, माँ मैं तुझे लेने आऊंगा। माँ, चलो आ जाओ। विक्रांता, रुक जाओ। अरे फिर चंदा चौकड़ी ने लेकर के मुंडी उठा के खेत में कहां घुसी आ रही है तू? अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी करने उनकी अस्थियां खेतों में डालने जा रही हूँ। ए बुढ़िया, ये सारे खेत अब हमारे खेत हैं। तू इन खेतों में मुर्दे की राख डालकर इसकी उपजाऊ जमीन को बंजर बनाना चाहती है? चल दफा हो यहाँ से। गाँव वालों, तुम सब कान खोल कर सुन लो, अब इन खेतों में कोई नहीं घुस सकता, क्योंकि इन कागजात के मुताबिक ये सारी जमीनें ठाकुर जसवंत सिंह की हो चुकी हैं। ये काला कोट पहन पहन कर तेरा दिल भी काला हो गया है वकील, जो झूठे और जाली कागजात बनाकर इन गरीब किसानों के जमीनों का मालिक इस लालची ठाकुर को बनाना चाहता है। औरत, तेरी ये हिम्मत? अल्लाह से डरो ठाकुर, शारदा बहन ठीक कह रही है, इन्हें अपनी जमीनों पे जाने दो। मैं चौधरी साहब की पत्नी हूँ ठाकुर, मैं इन गरीब किसानों पर इतना बड़ा जुल्म नहीं होने दूंगी। देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो, हमें अपने खेतों में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ो। चलो। इन गरीब किसानों का खून जरूर रंग लाएगा, इनके जमीनों के सारे कागजात की नकल मेरे पास है, उन्हें लेकर मैं शहर के सबसे ईमानदार पुलिस अफसर खान साहब के पास जाऊंगी। वो तेरे इस खोटे की तरह खोटा नहीं है, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा ठाकुर। चलो भाइयों।
फ्रेंड पालवंत। चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, डॉलर्स एंड गोल्ड। ओके, तो माल के लिए लूट पर करता है, हम तुमको डॉलर्स देगा। अच्छा, डॉलर्स, और तुम हमको जाने दो। हरामजादे, ड्रग्स बेचकर नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले विलायती गीदड़ क्रिस्टो, मैं डाकू नहीं, तेरा बाप हूं। ये देख, हिंदुस्तानी पुलिस का DIG शेर अली खान। मुझे बहुत दिनों से तेरी तलाश थी साले, अब तो हिंदुस्तान का कानून तेरे साथियों को भी पकड़ेगा और तुझे तुझे फांसी दिलाकर ही दम लेगा, समझा? क्या कहा? क्रिस्टो माल के साथ पुलिस के हाथों पकड़ा गया? हाँ ठाकुर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ से बच के भाग कर यहाँ आया हूँ। शंकर, इस आदमी को पहचानते हो? साहब यही है वो आदमी, यही है वो आदमी साहब जिसने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया साहब, इस आदमी ने। मैं एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर था साहब, माल लेकर पत्नी और गुड़िया बिटिया के साथ आगरा जा रहा था कि अचानक हम परदेशी पहले बार हिंदुस्तान में आया है, हम आगरा जाता, तुम हमको लिफ्ट देगा, हम तुमको डॉलर्स देगा। अरे विदेशी भाई, अपना डॉलर अपने पास रखो, आपके काम आएगा, हम हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी। हाँ, आगरा तक आप हमारे मेहमान हैं, चलो बैठो। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। पुलिस, घबरा मत, इस ट्रक में क्या है? दवाइयों के बक्से हैं साहब, ये देखिए कागज। हवलदार शर्मा, तलाशी लो। यस सर। शूट दैट मैन। कौन था वो? मैं नहीं जानता साहब, कोई विदेशी था, लिफ्ट मांगी तो मैंने बिठा लिया साहब। सर, ये देखिए। अच्छा, अफीम, हेरोइन, गांजा, ब्राउन शुगर, इसका मतलब कि हमारी इन्फॉर्मेशन सही थी और जो आदमी भागा था वो था क्रिस्टो। पता कहाँ से ला तक हुई है और कहाँ ले जा रहा था? मैंने कहा ना साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तू सब कुछ जानता है, पुलिस के हंडर पड़ेंगे तो सब बता देगा। इंस्पेक्टर, अरे स्टेटमैन। साहब मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं साबित को नहीं जानता, मैं निर्दोष हूँ साहब। नहीं साहब, मुझे अपनी सिकलौती बच्ची की सौगंध है, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है साहब। इंस्पेक्टर, ले चलो इसे। साहब मैं पांव पड़ती हूँ साहब, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, पैर पड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल निर्दोष है, मैं भगवान की सौगंध खा कर कहती हूँ वो बिल्कुल निर्दोष है। गुड़िया,
बाद मैंने अपनी नन्ही सी गुड़िया को इन्हीं हाथों से धरती माँ की गोद में सुलाया साहब, इन्हीं हाथों से धरती माँ की गोद में सुलाया, अपनी जवान पत्नी की चिता को आग दी साहब। उन दोनों को खोकर मैं पागल हो गया था, उन दोनों को खोकर मैं पागल हो गया था साहब, और गुस्से में मैंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया, और आज उसी जुर्म के सारे जिंदा हो साहब। अगर वो जुर्म नहीं करता तो कभी का मर गया होता। 20 साल बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने मुझे दोबारा पकड़ा, उस जुर्म के लिए नहीं जो मैंने किया था, लेकिन उस जुर्म के लिए जो मैंने कभी नहीं किया, स्मगलिंग के जुर्म में साहब। ये आदमी बिल्कुल सच बोलता है, इसने सचमुच हमारे लिए लिख दिया था, लेकिन इससे हमारे गैंग का कोई लिंक नहीं है। ऑफिसर, इज इनोसेंट। देखो शंकर, तुम्हारी बीवी और बच्ची की जिंदगी तुम्हें वापस नहीं कर सकता, लेकिन इस क्रिस्टो के बयान पर तुम्हें आजाद करता हूं। बाहर आओ, पुलिस तुम्हें फिर कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। आओ। वाह साहब वाह, एक शरीफ आदमी ने कहा तो आपने उसका विश्वास नहीं किया, एक बदमाश आदमी ने कहा तो उसकी बात मानकर मुझे आजाद कर दिया। शंकर, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाए साहब, भगवान ना करे कोई आपको झूठे इल्जाम में पकड़े और जेल में बंद कर दे, और आप अपनी बेगुनाही साबित करने की लाख कोशिश करें और आपकी कोई ना सुने, तो आपके पास भागने के अलावा और कौन सा रास्ता रहेगा? देखो शंकर, जब तक अल्लाह ताला ने यह जिंदगी दी है तो इसे जीना ही होगा, मगर आज से तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। साहब, एक वो अफसर था जालिम शैतान, और एक आप हैं देवता समान। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जाओ। माजी खान साहब आ गए। साहब, साहब मैं एक दुखियारी हूँ, आपके पास अपनी फरियाद लेकर बहुत दूर से आई हूँ। फरमाइए। साहब, मेरी फरियाद अपने ही गांव के एक जालिम और दौलतमंद ठाकुर के खिलाफ है, गांव का थानेदार और पुलिस भी उससे मिली हुई है। आप बेखौफ होकर अपनी शिकायत बयान कीजिए, शेर अली खान से आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप आइए मेरे साथ। सर। यस। कमिश्नर साहब ने आपको याद फरमाया। माजी आप यहाँ बैठिए, मैं कमिश्नर साहब से मिलकर अभी आता हूँ। जी बैठिए आप। ये रही आपकी टोपी। कोई दाद देनी पड़ेगी अपनी धर्म पत्नी की, हमारी टोपी देना कभी नहीं भूलती। कैसे भूलूं? ये आपके सर का ताज है और आप मेरे सर ताज। खान, क्रिस्टो को गिरफ्तार करके तुमने हमारे सारे डिपार्टमेंट का नाम और रोशन कर दिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सर, अब हम क्रिस्टो के जरिए उस आदमी तक पहुंच जाएंगे जो हमारे मुल्क से ये ड्रग्स बाहर के मुल्कों को सप्लाई करता है। वेल कैरी ऑन खान, वी आर राइट बिहाइंड यू। ओके सर। गुड। मां जी, माँ जी आपका बेटा आपसे मिलने आया है। कौन? विक्रांता? कहाँ है मेरा बच्चा? भगवान के लिए धीरे बोलिए माँ जी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। राम सिंह। यस सर। वो बाहर जो माँ जी बैठी हैं उन्हें अंदर भेज दो। सर वो तो चुपचाप उठ के चली गई। क्या चली गई? यस सर। उस मंदिर की छतरी में विक्रांता आपका इंतजार कर रहा है, जाइए। धन्यवाद। हमको पहचानता? ये कागजात मुझे दे दो। नहीं। मुझे दे दो ये कागजात। नहीं, ये कागज मैं तुमको नहीं दूंगी। छोड़ दो मुझे। ये कागजात। नहीं, मैं ये कागजात तुम्हें नहीं दूंगी। छोड़। नहीं दूंगी, छोड़ दो मुझे। छोड़िए कि नहीं? छोड़ दो, छोड़ दो। और तुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं। Oh,
लगता है कोई ट्रक किसी औरत को कुचल के चला गया। हो सकता है कि सास बाकी हो। चलो देखते। माँ 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 माँ, ये सब कैसे हुआ? माँ माँ, ये सब कैसे हुआ? माँ बा बोल माँ 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 माँ, मैं तो तेरे पास आ रहा था तुझे लेने के लिए। माँ माँ माँ, तेरी ये हालत किसने बनाई? माँ बोल माँ बोल बोल माँ माँ माँ, कौन था वो, कौन था वो? माँ बोल माँ। कुर्बान तुझ पे मेरी हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है। कर चोट पहुँचे कभी मेरी माँ का, मैं फूंक दूंगा जमीन आसमान। तेरा लाला मैं तेरा लाला, विक्रांता कहाँ जा रहा है तू? अपनी माँ के हथियारों का पता लगाने। जो आग मेरे सीने में दहक रही है चाची, उस आग को उस बस्ती में फैलाने जा रहा हूँ जहाँ मेरी माँ की हत्या हुई थी। पागल हो गया क्या तू? चाची, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी मैं, तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मैं कहता हूँ हट जा चाची, हट जा। नहीं, नहीं बेटा, गुस्से में उठाया हुआ हर कदम गलत होता है, और बस्ती में आग लगाने से तो बेचारे मासूम और बेगुनाह उसमें जल के मर जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं अपने बच्चे के हाथों इतना भयानक जुल्म नहीं होने दूंगी। नहीं, जुल्म तो मुझ पर भी हुआ है चाची, मेरे माता पिता पर भी। जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होता बेटे, तो मौत का नहीं जिंदगी का फरिश्ता बन के जी। ये आग, ये तेरी माँ की चिता की मुकद्दस आग है, इसकी रोशनी तेरी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर देगी, तुझे सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखाएंगे बेटे। क्या हुआ, क्या हुआ सर? कृष्णा जैसे भाग गया। पुलिस जेल से भागता है? नहीं बाबा, अब एक्सरसाइज करता है, जॉगिंग। वेलकम मिस्टर क्रिस्टो, वेलकम। जाशवान, जाशवान माय फ्रेंड। हमारे इस दोस्त मिस्टर खोटे की वजह से तुम जेल से बाहर आए हो। थैंक यू बॉस, हम बहुत प्यासे। हाँ, पियो पियो। मिस्टर खान, इतने सख्त पहरे के बावजूद क्रिस्टो भाग कैसे गया? तो, उसके जेल से फरार होने में जरूर किसी पुलिस वाले का हाथ है। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम अग्निमने स्वाहा। बच्चे को हार पहनाइए। मुन्ने की अम्मा और बापू को मुंडन संस्कार की बधाई हो। और आज तेरा पहला मुजरा है, ऐसा जलवा दिखाना कि वो लोग तेरे दीवाने हो जाएं। निम्मो, निम्मो मेरी बेटी, सुनो। कौन हो तुम और क्यों बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मेरा इस दुनिया में सिर्फ भगवान है। सुनो बेटी, मेरी बात तो सुनो। अरे शराबी, ये ले 100 रुपए और आज पेट भर के शराब पी ले।
चल बेटी मेरी, निकल लो पतली गली से। देख के मेरा खेलता हुस्न ओ दिलरुबा भाई, हमने तुम संग अपना नाता जोड़ दिया। ठाकुर साहब, कनीस का नाम दिलरुबा नहीं, नूरी है। आ हा हा हा, तब तो नूरी के नूर की रोशनी में हमारा तुम्हारा सफर
काफी लंबा चलेगा। नहीं ठाकुर साहब, यूं समझ लीजिए कि हम दोनों का सफर यहीं खत्म हुआ। हुजूर की मंजिल अलग और कनीज का रास्ता अलग। जीती रहो बेटी, जीती रहो। उठा लो। उठा लेता हूँ। चश्मे बद्दूर, ये तो पहला मुजरा है। शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नूरी भाई, ठाकुर जसवंत सिंह सिर्फ दो गांव चलता है और मंजिल खुद ब खुद चलकर उसके कदमों में आ जाती है। तेरा ठाकुर जसवंत सिंह। ठाकुर, यहाँ पे ठाकुर आकर कोई नहीं है। यहाँ तो मैं हूँ, मैं ना सुंदरी। और ये छोरी कौन है? अरे ओ मंगलू। हाँ गुरु। अरे ये वही है नौटंकी वाली छोरी, कोठरी पर रेल चलाने वाली और अपने हुस्न के शोलों से दिल को जलाने वाली। तुम भी तो वही मुर्गे वाले हो, मैना जी, पहचाना आपने से? हाँ हाँ पहचान लिया। अरे उस दिन तेरी नौटंकी में मेरे पास ही बैठा था अपना मुर्गा लेकर, क्यों? अरे ओ छोरी, तेरा और इसका संबंध कैसे हुआ? क्या अब ये छोरी तेरे यहाँ नौटंकी करती है? ची 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 ची, नौटंकी नहीं, मुजरा करती है। तभी मैं कहूँ ये मेले खेल तमाशे वाली नौटंकी ठाकुरों की बग्घी में कैसे आ गई? मेरा नाम नौटंकी नहीं, निम्मू है। बाजारे हुस्न में नूरी के नाम से मशहूर हूँ। और विक्रांता नाम है मेरा, इस इलाके में टाकू विक्रांता के नाम से मशहूर। टाकू, टाकू। हो सके तो तशरीफ लाइएगा कभी। हाँ हाँ टाकू जी, जरूर आइएगा, लेकिन माल लुटने नहीं, माल लुटाने। अगर इसके घुंघरुओं में कशिश होगी तो मैं जरूर आऊंगा। विक्रांता, तकदीर तुम्हें दो बार मेरी तरफ खींच लाई है, तीसरी बार मेरी ओर मेरे घुंघरुओं की कशिश तुम्हें जरूर खींच लाएगी। अगर ऐसी बात है तब तो हम जरूर आएंगे। भगवान करे तू जल्दी आए। तुम्हारे बाप का माल है जिसे तोड़ रहे हो? कमीने, चोर! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर साहब, आज धनतेरस है, हर साल हम अपनी धरती माँ और इन फसलों की पूजा करने आते हैं। जमीने तो आपने हमसे ले ली, अब कम से कम इन फूलों से पूजा तो करने दीजिए। धनतेरस के दिन पूजा का अधिकार सिर्फ हम जैसे धनवानों का है, तुम जैसे कंगालों की पूजा से धरती माँ नाराज हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी, दफा हो जाओ यहां से। और ये चाचा आपके लिए, ये सब आप लोगों की दिवाली की भेंट मेरी तरफ से, और ये रुपया आप लोगों की तनख्वाह में से नहीं कटेगा। ठाकुर हरनाम सिंह की जय! ठाकुर हरनाम सिंह की जय! ठाकुर हरनाम सिंह जिंदाबाद! ठाकुर हरनाम सिंह जिंदाबाद! ठाकुर हरनाम सिंह जिंदाबाद! ठाकुर हरनाम सिंह छोटे हुकुम, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं,
जैसे कोई मंत्री रिलीफ फंड बांट रहा है। ये जिंदाबाद के नारे मुर्दाबाद में बदल जाएंगे। ये मजदूर हर नाम के दिए हुए बोनस के नोट हाथ में लिए घूमेंगे, लेकिन इस इलाके की किसी भी दुकान में इन्हें तेल और शक्कर नहीं मिलेगा। जिंदाबाद छोटे हुकुम, जिंदाबाद। अरे रामू काका, आप लोग यहाँ क्या बात है? विक्रांता बेटे, हम सुबह से रुपए लेकर घूम रहे हैं। आज दिवाली का त्योहार है, ना यहाँ शक्कर मिलती है ना तेल। कौन है वो दुकानदार जो देने से इनकार करता है? आइए मेरे साथ। अरे बेटा, दुकानदार का कोई कसूर नहीं, गांव की किसी दुकान में माल ही नहीं है। अरे छिपाते क्यों हो, ठाकुर जसवंत सिंह ने सारा माल काले बाजार में बेच दिया है और उसका मुनीम ट्रकों में भर भर के माल शहर भेज रहा है। भैया अब की लगता है हम गाँव वालों की काली दिवाली हो। अरे कौन है बदतमीज? विक्रांत बेटा, क्या था तू? टोपी? ये क्या है बेटा? टोपी है। टोपी तो मेरी, इतने छोटे हुकुम की हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है। अरे बेटा, दीपावली के दिन गोलीबारी? ये गोलीबारी नहीं है मुनीम, दिवाली के पटाखे हैं। ये क्या है बेटा? ये शक्कर है मुनीम जी। शक्कर? इस शक्कर से इस गांव के हर घर में मिठाई बनेगी। ये क्या है बेटा? ये तेल है मुनीम जी, इस तेल से इस गांव के हर घर में दिवाली के दिए जलेंगे, सारे गांव में उजाला ही उजाला होगा। अरे झोपड़ों में तो दिए चलेंगे, हवेली में क्या होगा बेटा? मैं बताता हूँ मुनीम। विक्रांता ने हमारे ट्रक लूट लिए और तुम मार खा के आ गए। विक्रांता ने हमारे ट्रक नहीं लूटे, बल्कि उसने ठाकुर जसवंत सिंह की इज्जत लूटकर उन हरामजादों के घरों में उजाला कर दिया जहां हम अंधेरा देखना चाहते थे। मैंने कुछ नहीं देखा। सर, विक्रांता डाकू ने अपने पूरे गिरोह के साथ अचानक हमारे पुलिस थाने पर हमला किया, हमारे इन दो सिपाहियों को मार डाला सर, और फिर थाने से बंदूकें, गोला बारूद सब कुछ लूट के ले गया सर। सर, विक्रांता के मुंह खून लग चुका है सर, वो दोबारा कभी भी हमला कर सकता है। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके उस थाने के लिए पुलिस फोर्स बढ़ा दें और कुछ बुलेट प्रूफ। मिस्टर खान। यस सर। आज से जयगढ़ का पुलिस थाना आपके तहत में, और उस सारे इलाके को आप डाकू विक्रांता से नजात दिलवाएंगे। राइट सर। लेकिन ये कितनी अजीब बात है सर कि आज के दौर में गोलियां सिर्फ डाकू ही चलाते हैं, पुलिस नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस और डाकू दोनों मिलकर ये खेल खेल रहे हों? अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं सर, तो मुझे अपने ढंग से काम करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि आज की दुनिया में हालात पर काबू पाने के लिए अम की गोली के साथ साथ बंदूक की गोली की भी जरूरत पड़ती है। You're absolutely right. आपको पूरी आजादी है, आप अपना काम अपने ही ढंग से कीजिए। थैंक यू सर। I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind.
अरे खोटे, ये ले जाम और पी ले हमारे नाम। गुस्ताखी माफ हो ठाकुर साहब, लाया हूं एक परेशानी का पैगाम। गया था नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। कैसी बात करते हो खोटे, ना तो तुम नमाज पढ़ते हो और ना ही मैं रोजे रखता हूं। ठाकुर साहब, लेकिन वो जो आया है वो नमाज भी पढ़ता है और रोजे भी रखता है। कौन आया है? डीआईजी शेर अली खान, बड़ा पावरफुल आदमी है। पावरफुल? पावर तो हमारी बंदूक की गोली में है खोटे। सच कहा आपने ठाकुर साहब, पावर तो बंदूक की गोली में ही है। आइए। डीआईजी शेर अली खान साहब, ये मेरे दोस्त और पार्टनर ठाकुर जसवंत। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। अरे इंस्पेक्टर खोटे, आप यहाँ? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। वो सर, वो क्या है कि डाकू विक्रांता ने ठाकुर साहब के कुछ ट्रक लूट लिए थे। अच्छा। ठाकुर साहब की तबीयत कुछ खराब है, उसी सिलसिले में इनसे कुछ इंक्वायरी करने आया था। भाई अगर ठाकुर साहब की तबीयत खराब होती तो ये सामने बिस्तर पर पड़े नजर आते। हमारे दोस्त जसवंत की तबीयत हर शाम खराब हो जाती है और उसके लिए दवा की नहीं दारू की जरूरत। बिल्कुल ठीक कहा हरनाम सिंह, लेकिन डीआईजी साहब आप यहाँ कैसे पधारे? ठाकुर साहब, मैं इस गांव में होने वाले कत्ल खून और डकैती की वारदातों की तहकीकात करने आया हूँ। रमजान मियां। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। बेगम साहिबा की कुछ खबर है, मैं कैसे वापस आई या नहीं? नहीं हुजूर, मगर एक बुरकापोश खातून आपसे मिलना चाहती हैं। बुरकापोश खातून? हाँ जी फरमाइए, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? जनाब जरा पहचानिए तो सही, मैं कौन हो सकती हूँ? देखिए मोहतरमा, अल्लाह मियां ने मेरे चेहरे पे आंखें दी हैं, कोई एक्सरे की मशीन नहीं। तो अच्छी तरह से याद कीजिए, मैं अलीगढ़ वाली वही लड़की हूँ जिसके तांगे के पीछे आप अपनी साइकिल चलाकर गाया करते थे। ये जिंदगी के मेले, ये लड़कियों के ठेले, दुनिया में कम ना होंगे। अफसोस हम ना होंगे। अब भाई जवाब नहीं आपका। अरे जनाब जरा वो शाम तो याद कीजिए जब आपकी सीटी बजती थी। सीटी? हाँ हाँ सीटी, और मैं बेतहाशा भागकर खिड़की में आ जाती थी और फिर आपको देखकर मैं खुद सीटी बजाने लगती थी। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। याद आ गया, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। अरे मेरी मोहतरमा, मेरी जौजा, मेरी मुसम्मात, मेरी बीवी, आज तो हम दोनों साथ मिलकर सीटी बजाएंगे। नीचे उतारो, नीचे उतारो। क्यों क्यों? वो क्या है ना, ये कैरी। कैरी? कैरी? समझ गया, समझ गया। औरत जब कैरी खाए तो नन्ना मुन्ना घर आए।
इकरार मेरे यार हो गया, प्यार इकरार मेरे यार हो सुंदरी, हमने तो सुना था कि कोठों पर राजा महाराजा नवाब और रईस लोग ही आते हैं, लेकिन तुम्हारे कोठे पर डाकू और लुटेरे भी आने लगे। गुस्ताखी माफ ठाकुर साहब, ये आपका दौलत खाना नहीं, मैना सुंदरी का कोठा है। यहाँ हर वो आदमी आ सकता है जिसकी जेब में पैसों की गर्मी और सीने में धड़कता फड़कता दिल हो। मगर ये कानून से भागा हुआ मुजरिम है मैना भाई। मुझे मालूम है ठाकुर साहब, लेकिन आज की दुनिया का निजाम कानून की लाठी से नहीं नोटों की लाठी से चलता है। नोट आपके पास भी बहुत है और इनके पास भी। अमोश, ये बदमाश सिर्फ डाकू और लुटेरा ही नहीं है, मेरे पिता का खूनी भी है। ठाकुर जसवंत सिंह, तू भी डाकू और मैं भी डाकू, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तू गरीबों के मुंह से निवाले छीनकर अपने गोदाम भरता है और मैं तेरे गोदाम लूटकर उनका पेट भरता हूं। तू गरीबों के घरों के दिए बुझाता है और मैं उन बुझे हुए दियों को जलाता हूं, उनके घरों में रोशनी करता हूं। और आज मैं जानता ठाकुर साहब, मैं तुझे गोली नहीं चलाने दूंगी। तू यहां निम्मो के प्यार के लिए आया है, किसी की हत्या करने नहीं। तमाशा मत बनी, तमाशाई बनी। आप बेफिक्र रहिए, मैंने पुलिस को खबर कर दी है, आज इस डाकू का खेल खत्म हो जाएगा।
तुझे मेरी कसम है विक्रांता, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। मैं ना सुंदरी, तुम्हारा नाम है? नहीं कमिश्नर साहब, मैं ना सुंदरी, मैं हूँ। ये तो नूरी है, हमारे कोठे का नूर। कमिश्नर साहब, अगर ये कोठे का नूर अपनी कसम देकर अपने आशिक को यहाँ से ना भगाती तो आज उस डाकू की जिंदगी हमेशा के लिए कानून के अंधेरे में डूब जाती। वाह, सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। कोठे वाली पुलिस को बुलवाती है और मुजरे वाली डाकू को भगवा देती है। क्या रिश्ता है तेरा इस डाकू के साथ? साहब, हम मुजरे वालियों का रिश्ता तो हर आने वाले के साथ होता है, लेकिन ये रिश्ता मुजरे के साथ शुरू होता है और मुजरे के साथ ही खत्म हो जाता है। उन आने वालों में से कौन डाकू है और कौन साहूकार, ये मालूम करना तो आपका काम। खामोश, बहुत चलती है तेरी ज़बान। हुजूर, ये छोकरी नादान है, इसकी गुस्ताखी माफ कर दीजिए। मैं ना सुंदरी, इस लड़की की कशिश उस डाकू को यहाँ दोबारा जरूर लाए और तुम मुझे खबर दोगी, लेकिन इस दफा एहतियात के साथ। बेफिक्र रहिए सरकार, अब के मैं ऐसा जाल फेंकूंगी कि वो पुलिस के चुंगल में फंसे ही फंसे। वैसे इनाम तो मिलेगा ना? जरूर मिलेगा, और भरपूर मिलेगा। भरपूर मिलेगा, भरपूर। मैं ना सुंदरी, विक्रांता के आने पर अगर तुमने दोबारा खबरी बनकर पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। देखा, आज तो उस छोकरी ने कमरे में जाने की जुर्रत की है, कल उस डाकू के साथ भाग जाएगी। मैं ना सुंदरी, तुम तो बड़ी शातिर खिलाड़ी हो, खेल खेलो। Finally he's come. Welcome, Thakur Sahab. Hello. Meet my friend Mr. John. Hello. अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल मार्केट में अफीम, गांजा और चरस के किंग। इन्हीं के जहाज में हमारा माल जाता है और आइंदा भी जाता रहेगा। इंस्पेक्टर खोटे, पुलिस की तरफ से हमारे मददगार। मददगार? हेल्पर। हेल्पर, दैट्स डैम गुड मैन। क्रिस्टो, जीप का सारा माल जहाज में रख दो। ओके ओके, कम ऑन, लेट्स एंजॉय। हे, यू प्रॉमिस मी अ गुड टाइम, हे? अरे बाप रे, ये विक्रांता डाकू फिर से आ गया। अरे अपना ये माल छुपाओ। अरे मैना सुंदरी, इन साजों के साथ तुम अकेली इस उम्र में मुजरा शुरू कर दिया क्या? आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? नूरी कहाँ है? नूरी? विक्रांता जी, नूरी का कुछ मत पूछिए, वो ठाकुर जसवंत सिंह के पास मुजरे के लिए गई थी। उनकी शानो शौकत और दौलत की चमक दमक देखकर क्यों समझिए नेकियां सो गई और बुराइयां जाग उठी। मतलब? मतलब मुझे ठुकरा कर वो हमेशा के लिए उन्हीं की होकर उन्हीं के पास रहना मंजूर कर लिया, क्यों जी? जी हाँ, जी हाँ। दस्त नाजुक से लीजिए जन्म, जाम हाजिर है पीजिए जन्म। ये क्या है ठाकुर साहब? कहाँ गए सब? सब गए, हम रह गए नूरी बाई के हुस्न की बारिश में नहाने के लिए। मैं ना सुंदरी, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो माल लेकर खिसक गए। क्या? पूरे 5 लाख देकर मैना सुंदरी से खरीदा है हमने तुझे। गंगा जल से तूने बहुत स्नान किया होगा गोरी, आज हमारे मदरा जल से स्नान कर ले। नहीं, नहीं, नहीं।
आ नूरी भाई, तुम्हारे जिस्म पर प्यार की मोहर लगा दे। ग्रांता, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो ठाकुर। हुकुम, छोड़ो इस रसमलाई को, डाकू आ गए। मुनी, मुझे प्यार की मोर लगाने दे। अरे डाकू, आपके सीने पे गोली से मोर लगा देंगे, चलिए। विक्रांता, 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 अच्छा हुआ तुम आ गए, ले चलो मुझे यहाँ से, ले चलो, चलो। आज तो तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण पहुंचे थे, वैसे ही आज देवता बनकर तुमने मेरी इज्जत बचा ली। इज्जत? अरे सुना तुम लोगों ने? क्या? क्या? रोज रात को बिकने वाली तवायफ अपनी इज्जत की बात कर रही है। क्या? अब ये नाटक छोड़ो भाई जी, मैं तेरा चरित्र समझ गया हूँ। तू जैसा शिकार देखती है उसे फंसाने के लिए वैसा ही रूप धारण करती है। अरे ओ भाई जी, ना तू द्रौपदी और ना मैं भगवान हूँ। अब मुझ पर तेरा ये जादू नहीं चलेगा, मैं तेरा असली रूप पहचान गया हूँ। आज तक कोई मर्द औरत का असली रूप नहीं पहचान सका, लेकिन औरत मर्द का हर रूप पहचानती है। औरत बेटी, बहन, पत्नी और माँ बनकर सब में अपना प्यार बांटती है, लेकिन मर्द मर्द बाप, भाई, पति और बेटा बनकर औरत पर हुकूमत करता है, जुल्म करता है, शक करता है, औरत को हमेशा अपनी गिरफ्त में कैद करके रखना चाहता है। लेकिन तू औरत नहीं है, औरत के नाम पर एक गंदी गाली है, इस बाजारी दुपट्टे में लिपटी हुई एक नीच और नंगी वेश्या है, जो अपने शरीर की आग बुझाने के लिए रोज एक नए मर्द की तलाश करती है। ठहरो। रोक क्यों रहा है? हुकुम दे अपने इन मर्दों को कि सब एक साथ गोलियां चलाकर मेरे शरीर को चलनी कर दे। दिन रात दारू के नशे में धुत रहने वाले मेरे शराबी बाप ने 50,000 में मैना सुंदरी को बेच दिया। मैना सुंदरी ने 5,00,000 में ठाकुर जसवंत सिंह को बेच दिया। वहां से तू मुझे उठा लाया। देख मेरी तरफ। विश्वास नहीं आ रहा है? तो चल मेरे साथ। माँ, संसार की कोई औरत तेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती। लड़की जब माँ के पेट से जन्म लेती है, जितनी पवित्र वो होती है उतनी ही पवित्र हूँ मैं। उस गंदे माहौल में रहकर भी मेरा दामन आज तक पाक है। माँ, इस तलवार ने बड़े बड़े पापी राक्षसों का सर तन से जुदा किया है। माँ, अगर मैं अपवित्र हूं, अगर मेरी रगों में तन बेचने वाली वैश्या का गंदा खून बह रहा है, तो आज मैं उस खून का आखिरी कतरा भी तेरे चरणों में बहा दूंगी। मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगी अपने। मंगलम भगवान विष्णु, माँ बेटे की शादी हो और माँ ना आए, ये कैसे हो सकता है रे?
अरे निम्मू, ये मेरी सकीना चाची है। बचपन में मैंने माँ का आंचल और इनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। पांव छू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। तूने इससे शादी करके इसके दामन को दागदार होने से बचा लिया। तूने बड़े सवाब का काम किया बेटा। हाँ हाँ भाई, रोक लो अब, रोक लो। बस बस बेटे, अब भाती की सैर खत्म। अब तुम अपनी मम्मी के साथ घर जाओगे और हम शिकार पर जाएंगे। कैसा है बेटा तू विक्रांतु? जब से तेरे पास बंदूक आई है तेरा कद बहुत लंबा हो गया बेटा। और तेरा कद बहुत छोटा हो गया है मुनीम। ये माल अब हमारा है। अब कह देना अपने ठाकुर से कि अनाज वो बोएगा और फसल वो काटेगा, और उन फसलों की कीमत उन गरीब किसानों के पास जाएगी जिनकी जमीनें उसने हथिया ली है। और ये रहा कारतूस। बंदूक तो मेरे पास है नहीं, बोली का मैं क्या करूंगा तेरे? ये तेरे लिए नहीं, ठाकुर के लिए मुनीम। पकड़। और कह देना उससे कि विक्रांता ने बंदूक की विद्या और भाषा में पूरी की पूरी समझ गया। तेरा पैगाम बोली का साथ पेश कर दूंगा छोटे हुकुम को। क्या हुआ मुनीम? अजी वो विक्रांता, अरे खेत खलियान लुट करके ले गया और बोला बेच करके सारा रुपया किसानों में बराबर बराबर बांट देगा। अमीर और गरीब बराबर बराबर करने की कोशिश कर रहा है छोटे हुकुम। अजी और तो और, ये देखो ये क्या है? गोली। क्या सोचा है उसका? बोल लिया गोली ले जाकर तेरे छोटे हुकुम को शाम में शराब के साथ पिला देना, पेट साफ हो जाएगा और शांति से राम नाम सत हो जाएगा। अमोश लानत है कानून पर, एक बेलगाम डाकू काबू में नहीं आ रहा है। तुम जाओ। देखा हरनाम, ये विक्रांता तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। क्यों नहीं पीछे पड़ेगा जसवंत, उस पर जुल्म हुआ है और वो जुल्म का बदला लेकर ही रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये जसवंत की मैं ही नहीं सारा गांव जानता है कि बड़े ठाकुर साहब ने चौधरी अमर सिंह से जबरदस्ती कागजात पर अंगूठा लगवाकर उनका खून कर दिया है। और फिर तुमने तो उस बेईमान इंस्पेक्टर खोटे से मिलकर गांव के किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, विक्रांता के खेत छीन लिए हैं और फिर उस बेचारी चौधरीन का खून भी कर दिया। अरनाम, मैंने किसी चौधरीन का खून नहीं किया। इसे पहचानते हो? ये तुम्हें कहां मिला? मंदिर की छतरी के नीचे सड़क पर चौधरीन की लाश के पास पड़ा हुआ, मैंने उठा लिया। देखिए जसवंत, इस बात को सिर्फ मैं जानता हूं। इससे पहले कि विक्रांता और गांव वाले इस बात को जान लें, तुम्हें उन बेचारे गरीबों को उनकी जमीनें लौटा देनी चाहिए। वाह, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हो किसानों के साथ। जसवंत, हम लोग खानदानी रईस हैं, पैसे वाले हैं, और वो गरीब किसान हैं जो अपनी हर जरूरत के लिए अपनी ललचाई नजरों से हमारे मुंह की तरफ देखते रहते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी मुसीबतों में काम आना चाहिए। अपना फलसफा अपने पास रखो हरनाम, और इस मामले में अपनी जुबान बंद रखने की कोशिश करो। अगर मामला कोर्ट में गया और मुझे गीता पर हाथ रखकर गवाही देनी पड़ी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा जसवंत, क्योंकि एक दिन मुझे भी मरना है। लगता है वो दिन आज ही आ गया है। ये क्या कर रहे हो जसवंत? राजा हरिश्चंद्र की औलाद, अब तो तेरी लाश को नदी के कछुए और मगरमच्छ खाएंगे। हेलो भाभी, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हरनाम सिंह को विक्रांता डाकू ने मार डाला। ये सच कैसे हो सकता है? ये कैसे सच हो सकता है? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते?
मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं नहीं मानती ये सब। हे भगवान! मैं क्या कर रही हूँ? मेरे साथ चले गए रामसिंह। हमारी विक्रांता से कोई दुश्मनी नहीं थी डीआईजी साहब। हमने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था। फिर क्यों उसने मेरे पति को अपनी गोली का निशाना बनाया? किसने बेवा किया मेरी जवान भाभी को? कहां गया इनके गले का मंगलसूत्र? कहां गई इनकी कलाई की चूड़ियां? किसने पोछ डाला इनके माथे का सिंदूर? और किसने अनाज कर दिया इस मासूम बच्चे को? आपने खान साहब, आपने। ठाकुर साहब, न ये आपकी फैक्ट्री है और न मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड। हमें आपके पति के मरने का अफसोस भी है और आपके साथ हमदर्दी भी। ठाकुर साहब, हम पुलिस वालों की जिंदगी तो शरीफों और कमीनों के दरमियान ही गुजरती है, लेकिन याद रखिए, डीआईजी खान अपने फर्ज से गाफिल नहीं। चाची, चाची निम्मू को क्या हो रहा है देखो। अरे बेवकूफ, तू बाप बनने वाला है, चल जा बाहर, जा जा ना जल्दी। अरे मंगलू देख रहा है ना? देख रहा हूँ वीरू। इसे कहते हैं प्यार का जादू। अच्छा, बच्चा भाभी को होने वाला है और दर्द गुरु के पेट में हो रहा है। बेटा हुआ है माशाल्लाह। विक्रांता देख तो, बेटा हुआ है तुझे, मुबारक हो। जब तू पैदा हुआ था ना, तो तुझे भी इसी तरह उठाकर मैंने तेरे बाप की गोद में दिया था, और तेरी माँ की आंखों में इसी तरह ममता की चमक थी। Thank you.
तेरे पीछे है बेटा। अब मैं इस नन्ही सी जान को तेरे पास नहीं रहने दूंगी। अब ये मेरे पास रहेगा और बहू भी मेरे साथ जाएगी। लेकिन चाची, कानून की नजर में ये बच्चा एक डाकू का बच्चा है और ये एक डाकू की बीवी है। लेकिन मेरी नजर में न तू डाकू है और न ही डाकू का बेटा। लेकिन चाची, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर ठाकुर जसवंत सिंह को ये पता चल गया या पुलिस को मालूम हो गया तो मेरा ये नन्हा सा बच्चा और निम्मू। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा विक्रांता। ये सकीना चाची का दिया हुआ कॉल है, किसी सेठ की तिजोरी नहीं जिस पर पुलिस छापा मारे या कोई ठाकुर उसे लूट ले। निम्मू, तू चाची के साथ जा, जा। बेटे, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। ये औरत भाईजान की बीवी है। इसका मतलब ये मेरी भाभी हुई। और ये बच्चा अम्मी जान, ये बच्चा मेरा भतीजा हुआ। कितना नूर है इनके चेहरे पर। सिनत बेटी, तू एक पुलिस अफसर की बीवी है और तेरी माँ ने विक्रांता को कॉल दिया है कि वो उसकी बीवी और बच्चे को पुलिस और समाज के दुश्मनों से बचा के रखेगी। लेकिन अम्मी जान, ये सब कैसे मुमकिन होगा? बेटी, तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है और मैं तेरी माँ हूँ। मेरे सर पे हाथ रख के वादा कर कि इन दोनों की असलियत तो दुनिया से तो क्या अपने शौहर तक से छुपा के रखेगी। वादा कर। अम्मी जान, आपका ये वादा जीनत के लिए हुक्म है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। अरे सुनो भाई शंकर, कैसे हो? अरे साहब, आप कैसे हैं साहब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ साहब। और तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार कैसी चल रही है? आपकी मदद और ईमानदारी की रोशनी में अपनी मंजिल पाने की कोशिश कर रहा हूँ साहब। अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, भगवान आपको अच्छा रखे साहब। कौन हो तुम? हम इंग्लिस्तान से, तुर्किस्तान से, अफगानिस्तान से होते हुए सीधा हिंदुस्तान आया। हमारे डैड ने कहा अगर जंगल में एक पुरके वाला लड़की मिलेगा वही तुम्हारा लैला होगा। क्या? हाँ, हम तुम्हारा अंग्रेजी मजनू और तुम हमारा हिंदुस्तानी लैला। छोड़ दो मुझे, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे हाथ मत लगाना, मैं उसी के पास जा रही हूँ। अरे तुम हमको छोड़ के नहीं जा सकता। देखो, हम तुमको फूलों का हार पहनाता, अपनी बहू का जीनत बनाता। देखो, हमारा दिल कैसे धक धक धड़कता, इसलिए हम तुमको ऐसे पकड़ता। मगर हम किसी और पे मरता है। What? हाँ हाँ, उसी को प्यार करता है, उसी को प्यार करता है। प्यार करार मेरे यार हो गया, प्यार करार मेरे यार हो गया, वल्ला 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 तुमसे प्यार हो गया, वल्ला 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 तुमसे प्यार हो गया, प्यार करार। मजनू साहब, फेस बदल कर आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे निम्मू, आज भी छुप छुप कर मिलने में इतना मजा आता है, लगता है हमारी शादी नहीं हुई। विक्रांता साहब, ये मत भूलिए कि आप मेरे बच्चे के बाप हैं। सूरज हमारी जिंदगी का उजाला है निम्मू, हमारी जान है वो। उसका जन्मदिन तो याद है ना? ना उसका जन्मदिन भूल सकता हूँ और ना जन्म देने वाले को। अम्मी जान। अरे बेटा तुम। आदाब अम्मी जान। खुश रहो, तुम अचानक कैसे आ गए? आओ बैठो। नहीं नहीं अम्मी जान, मैं 5 मिनट के लिए भी यहाँ रुकने वाला नहीं। पर... आप फौरन तैयार होकर चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कहाँ? मेरे घर। आज आपके नवासे की कुरान शरीफ पढ़ने की बिस्मिल्लाह है अम्मी जान। बिस्मिल्लाह है? हाँ, और मैं खुद आपको लेने आया हूँ, चलिए। मगर मैं अम्मी जान, ये मोहतरमा कौन है? ये जीनत की भाभी है। जीनत की भाभी, नमस्ते। और ये उनका बच्चा है,
जीनत के धर्म भाई की बीवी है। धर्म भाई? भाई जीनत ने तो कभी अपने धर्म भाई का जिक्र ही नहीं किया कि कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। विक्रम नाम है उसका, फौज में काम करता है। फौज में है यानी गोलियां चलाने वाले देशभक्त। आजकल उसकी ड्यूटी दूर सरहद पर लगी हुई है, इसलिए इन दोनों को यहाँ छोड़ कर गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। देखिए भाभी, हम आज आपको छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप सीधी तरह नहीं चली तो हम गिरफ्तार करके ले जाएंगे। हम तो पुलिस वाले हैं। हाँ। लेकिन बेटे, आज इस बच्चे की सालगिरह है। अच्छा, अरे ये तो और भी अच्छी बात है, केक भी वही कट जाएगा। केक नहीं, इनके यहाँ पंडित बुलाने का रिवाज। अरे पंडित क्या, महापंडित बुलाएंगे, विद्वान, विद्यावान, वेद शास्त्रों को जानने वाला। अरे अम्मी जान, एक तरफ मौलाना की बिस्मिल्लाह होगी, दूसरी तरफ पंडित के मंत्र होंगे। आहा, बहुत मजा आएगा, चलिए तो सही। हाँ। मंगलू। हाँ। देखा इन कमीनों की कमीनी हरकत, गुरु विक्रांता काबू में नहीं आया तो भाभी और बच्चे को ले गए, साथ में सकीना चाची को भी लेकर गए। ये पुलिस की पुरानी चाल है। हाँ। आओ। Thank you.
ठाकुर साहब आप? मुबारक हो खान साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले, पर खुरदार की बिस्मिल्ला पर इतनी बड़ी तवायफ का मुजरा। बदनसीब हैं हम जो देर से पहुंचे। तवायफ, मुजरा, ये आप क्या कह रहे हैं? सुनिए जरा, एक मिनट इधर आइए। दूरी भाई, अच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। आजकल किस कोठे पर कयामत ढा रही हैं आप? मैं अब देवदासी बन चुकी हूँ ठाकुर साहब, सिर्फ अपने देवता के सामने नाचती हूँ। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? एक तवायफ को भाभी बनाकर इस घर में क्यों रखा? लिल्ला जरा ऐसा बोलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले आप जाकर इन ठाकुर साहब को रुख्सत कीजिए प्लीज। ठीक है। मुनीम जी, हुकुम। हमने इस नूरी बाई पर 5 लाख रुपए लुटाए, लेकिन आज तक इसके हुस्न की बारिश में नहीं ना आए। आखिर वो तुम्हारे महान भाईजान है कौन जिन्हें आज तक तुमने हमसे छुपा कर रखा है बेगम? उनका नाम है विक्रांता। विक्रांता, वो जालिम, वो डाकू, वो बेरहम। विक्रांता डाकू नहीं है, वो एक सीधा साधा नेक सीरत इंसान है आपकी तरह। तुम हमारा मुकाबला एक डाकू से कर रही हो बेगम। हम कानून के मुहाफिज हैं और वो कानून का दुश्मन। कितनी अजीब बात है, ये जिस डाकू को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सरकार ने हमें दी है, उसी के बीवी और बच्चे को तुम्हारी माँ ने अपने घर में छुपा रखा है। हाँ, मैंने इन्हें छुपा कर रखा। मगर किस लिए अम्मी जान? इसलिए कि तुम्हारा ये जालिम समाज, तुम्हारा ये अंधा कानून इन्हें चैन से जीने नहीं देता। भूखे भेड़िए की तरह नोश डालता इन्हें। अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करने वाली सीता और सावित्री जैसी औरत बंदूक उठाकर फूलन देवी या पुत्री बाई बन जाती, और ये मासूम बच्चा एक इज्जतदार शहरी बनने के बजाय कोई खूंखार डाकू बन जाता। बेटे, तुम मेरे दामाद हो, तुम जिद करके इन्हें यहां ले आए थे, और अब मैं इन्हें लेकर जा रही हूं। चलो। ठहरिए अम्मी जान, मैं एक पुलिस अफसर हूं, मेरे भी कुछ फराइज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपके साथ अब ये दोनों भी यहीं रहेंगे, और मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। ऊंट किसके हैं? कोई है? हटाओ उन्हें रास्ते से। हट 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 हट। विक्रांता नाम है मेरा। बहुत नाम सुना था तेरा खान, कि तू एक नेक और ईमानदार पुलिस अफसर, लेकिन तू तो खोटे से भी खोटा निकला।
मेरी बीवी बच्चे और सकीना चाची जैसी ईमानदार औरत को उठा कर ले गया। अगर हिम्मत है तो विक्रांता से टकरा। धोखे से जाल फेंक कर मुझे अपने अड्डे पर घसीट लाया और अब अपने साथियों के महफूज घेरे में खड़ा होकर कानून का एक मुजरिम, एक डाकू सूरमा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात सुन ले, शेर घेरे में रहकर भी शेर ही होता है। ठहरो, कोई गोली नहीं चलाएगा। आज इस सरकारी शेर की टक्कर असली शेर से होगी। ये औरत कौन है? ये औरत मेरी माँ है कमीने। मैं भी गया था अपने पिता की लाश लेकर पुलिस के पास इंसाफ मांगने, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं, धक्के मिले धक्के। अगर तेरी माँ ने थोड़ी देर मेरा इंतजार किया होता तो उसे इंसाफ जरूर मिलता। और अगर तूने बंदूक उठाकर कत्लो खून का रास्ता नहीं अपनाया होता। मैंने कत्लो खून के लिए बंदूक नहीं उठाई, जुल्म और जालिम के खिलाफ बंदूक उठाई है। जुल्म, जयगढ़ थाने के उन दो गरीब सिपाहियों ने किस पर जुल्म किया था जो तूने उनका खून कर दिया और थाने से असला लूट कर ले गया, और तूने ठाकुर हरनाम सिंह जैसे देवता समान इंसान की हत्या कर दी। हत्या यार, ये झूठ है, इल्जाम है मुझ पर। ना मैंने सिपाहियों का खून किया, ना हरनाम सिंह का, मैंने सिर्फ एक ही खून किया है। जब मैं अपने पिताजी की अस्थियां लेकर गंगा मैया में अर्पण करने जा रहा था तो ठाकुर प्रताप सिंह ने सारे गांव वालों के सामने उन्हें चोर कहा, बेईमान कहा, गालियां दी उन्हें, गंदी गालियां दी उन्हें, तो मैंने उसका खून कर दिया। और अब दूसरा खून मैं तेरा करूंगा कमीने। तू मेरी बीवी बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगाकर मुझे गिरफ्तार करने वाला था, आज मैं तुझे दांव पर लगाकर सारे पुलिस डिपार्टमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। डीआईजी, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। ये औरत और बच्चा कौन है? जवाब दे। इस औरत से तेरा क्या रिश्ता है? बोल। ये मेरी बीवी है, जीनत। और इसकी गोद में मेरा बेटा है। देख इन फौलादी हाथों की ताकत, इसकी बांधी हुई राखी की देन है। जीनत मेरी बहन है। तुम्हारी बीवी और बेटा सकीना अम्मी के साथ मेरे घर में महफूज है। विक्रांता, मेरा एक कहा मानो, ये बंदूक छोड़कर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बीवी बच्चे की भलाई है। नहीं खान साहब, मैं इस गांव के मुखिया चौधरी अमर सिंह का बेटा हूं, जिसने जयगढ़ की बंजर जमीनों पर हल चला चला कर उन्हें हरा भरा किया, किसानों को जमीनों का मालिक बनाया, गांव वालों को रोशनी दी। लेकिन समाज के सफेद पोश लुटेरे ठाकुर जसवंत सिंह और उसके बाप ने
झूठे कागजात बनाकर किसानों से उनकी जमीनें छीन ली। मेरी देवी जैसी मां को धक्के मार मार कर हमारी जमीनों पर कब्जा किया। मेरे देवता समान पिता को बदनामी का कफन पहनाकर उनका खून कर दिया। खान साहब, विक्रांता की जिंदगी में एक सैलाब आ चुका है और उस सैलाब में मैं ठाकुर जसवंत सिंह जैसे जालिमों को बहा दूंगा या खुद डूब जाऊंगा। खान साहब, विक्रांता सच्चाई का पुजारी है, इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। नहीं वीरू जी, डीआईजी साहब को हमारी हद से बाहर छोड़ दो, इज्जत के साथ। जी आइए खान साहब। ठाकुर साहब से जाकर साफ साफ कह दो कि जब तक मैं हरी झंडी नहीं दिखाता माल को फैक्ट्री में ही रहने दें। जी साहब। और हो सके तो फिलहाल लाल झंडी लगा के रखें। जाओ जल्दी। सलाम। अरे ये तो वही है। उस दिन बचकर निकल गया था, आज हाथ आया है। मैं ठाकुर साहब का आदमी हूँ। ठाकुर साहब का आदमी है तू? हाँ सर, ये ठीक कह रहे हैं, ये ठाकुर जसवंत जी का ही आदमी है। जसवंत सिंह का? जी हाँ, कह रहा था कि ठाकुर जसवंत सिंह की शुगर फैक्ट्री में कुछ मजदूरों की प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ पुलिस के 3-4 सिपाही चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है जसवंत सिंह माल सप्लाई करता है क्रिस्टो को तेरे जरिए। वेरी गुड, थैंक यू भाभी। गेट को बंद कर दो, सारा सामान चेक करो। सरकार, पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मार दिया। छापा मार दिया? अरे क्या खुदम खुदी कर रहे हो भाई? अरे 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 तेल, अरे अरे शर्मा, अरे शर्मा क्या कर रहा है तू? बकवास बंद कर। ब्राउन शुगर, ओह माय गॉड, ओ अफीम, चरस, ब्राउन शुगर। सरकार ये माल हमारा नहीं है, लगता है इसी बदमाश। यू शट अप। तो बलवंत की खबर सही थी। डीआईजी साहब, छोटे हुकुम, देखो जी ये लोग अपनी फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं। ये हमारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है? फैक्ट्री आपकी हुँ? ये सारा का सारा गैर कानूनी माल आपका, और आप हमी से पूछ रहे हैं ये क्या है? ये हथकड़ी है अवस्थी। यस सर। सारा माल अपने कब्जे में कर लो। ओके सर। आप ये सब नहीं कर सकते। आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। नाउ कम ऑन। माई बाप, अरे मासूम छोटे हुकुम को कहां लेकर के जा रहा हूं? जी साहब, आपने इतने बड़े आदमी को हथकड़ी पहना दी, छोड़ दीजिए। ये पुलिस का हाथ है वकील साहब, जो मुजरिमों को कभी नहीं छोड़ता। चलो। अरे वकील, तू तो खानदानी वकील है, कुछ तो अपनी वकालत कर। मिस्टर खान, आपने जो हमारा ये अपमान किया है इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत किसे चुकानी पड़ेगी ठाकुर साहब, इसका फैसला अदालत में होगा। ये सब क्या है? डीआईजी साहब ने सामान भेजा है और कहा है इसे संभाल कर रख दीजिए। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ अंदर रखो। सर्च द हाउस, तलाशी लो। जल्दी। यस सर। ठहरो, ये सब क्या है? बेगम, इन्हें तलाशी लेने दो। तुम मिस्टर खान? यस सर। ये तवाइफ आपके घर में क्या कर रही है? गुस्ताखी माफ है सर, ये विक्रांता डाकू की बीवी है और ये बच्चा विक्रांता का बेटा है। मिस्टर खान, क्या ये सच है? सर ये विक्रांता मेरे बेटे की तरह है, वो पैदा भी नहीं हुआ था तब से विक्रांता के खानदान से हम लोगों के घरेलू ताल्लुकात हैं। आई सी, तो ये घरेलू ताल्लुकात तो अब भी कायम होंगे?
मतलब ये कि विक्रांता अपनी बीवी और बेटे से मिलने यहाँ आता रहता होगा। सर ओपन इट, खोलो। सर सर ये तो वही हथियार है जिन्हें विक्रांता डाकू हमारे पुलिस स्टेशन से लूट कर ले गया था। सर उसने हमारे दो सिपाही भी मार दिए थे, मैंने आपसे शिकायत भी की थी ना सर। दिलत, ये बक्सा और ये थैला कहाँ से आया यहाँ? आज सुबह दो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा ये सामान आपने भिजवाया है घर में रखवाने के लिए, इसीलिए मैंने रखवा दिया। हुजूर, बेगम साहिबा बिल्कुल सच फरमा रही हैं। इसमें क्या है? देखो सर। ओह माय गॉड, गोल्ड, ब्राउन शुगर सर। ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम, गोल्ड बिस्किट। सर ये अमेरिकन डॉलर्स भी है सर, और ये खत भी है सर, शेर अली खान आपके नाम से। डियर मिस्टर शेर अली खान, एज पर माय प्रॉमिस आई एम सेंडिंग यू $20,000 और 11 सोने के बिस्किट आपकी फैमिली के लिए, और 520 पैकेट ब्राउन शुगर वगैरह वगैरह। मतलब ये कि क्रिस्टो को गिरफ्तार करके आप उसके हाथों बिक गए, और $20,000 के लिए आपने उसे जेल से फरार करवा दिया और उसके स्मगलिंग के धंधे में शामिल हो गए। शेम ऑन यू मिस्टर खान। अभी तक ऐसा कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ सर, पैदा नहीं हुआ ऐसा मायका लाल जो रिश्वत देकर शेर अली खां को खरीद सके। ये हीरोइन, ये ब्राउन शुगर, ये सब आज की दुनिया में इंसानियत के लिए सबसे बड़ी लानत है सर, सबसे बड़ी लानत। जिस आदमी ने अपनी जान की बाजी लगाकर क्रिस्टो को गिरफ्तार किया, वो क्या $20,000 और इस लानत के लिए क्रिस्टो के हाथों बिक जाएगा, अपने ईमान को बेच देगा? एक्सक्यूज मी सर, इन चीजों के मिलने से तो सारा केस ही क्लियर हो गया। क्रिस्टो के लेटर में 520 पैकेट ब्राउन शुगर का जिक्र है, और यहाँ तो सिर्फ 20 ही है, बाकी के 500 पैकेट डीआईजी साहब ने खुद ही मेरे क्लाइंट ठाकुर जसवंत सिंह की शुगर फैक्ट्री में रखवा कर खुद ही रेड कर दी और उन्हें हथकड़ियां पहना दी। क्योंकि एक शरीफ और ईमानदार इंसान होने के नाते ठाकुर साहब ने इन्हें हफ्ता देने से इनकार कर दिया। ये सब सरासर झूठा इल्जाम है सर, बकवास है ये सब उस ठाकुर की साजिश है मेरे खिलाफ। एक डाकू की बीवी और उसका लड़का आपके घर में रह रहे हैं, ये भी जसवंत सिंह की साजिश है। जयगढ़ के थाने से विक्रांता का टूटा हुआ ये माल, ये बंदूकें, ये ब्राउन शुगर, हेरोइन, सोने के बिस्किट, ये अमरीकी डॉलर, ये क्रिस्टो का खत, ये सब आपके खिलाफ है मिस्टर खान। और इससे पहले कि कानून आपको मजबूर करे कि आप अपनी वर्दी उतार दें, आप इसे खुद उतार दीजिए। ओके सर, ओके। साहब, अरे साहब, साहब ये क्या? चक्कर, भगवान ना करे कोई आपको झूठे इल्जाम में पकड़े और जेल में बंद कर दे, और आप अपनी बेगुनाही साबित करने की लाख कोशिश करें और आपकी कोई ना सुने, तो आपके पास भागने के अलावा और कौन सा रास्ता रहेगा? खुश आमदीद खान साहब। खान, इन्हीं हाथों से तूने मेरे हाथों में हथकड़ी लगाई थी ना, देख हरामजादे, आज वही हथकड़ी तेरे हाथों में है। ठाकुर, कभी के दिन बड़े, कभी की रात।
और आज हम तोड़ डालेंगे तेरे। ले जाओ और फेंक दो रेल की पटरी पर, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। हाँ साहब, आपकी ये हालत और हाथ में हथकड़ी, ये सब क्या है खान साहब? मैंने ठाकुर जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस हरामजादे ने अपनी मक्कारी का जाल फेंक कर मुझे ही कानून की नजरों में मुजरिम बना दिया। मेरी बीवी और बच्चा? वो दोनों पुलिस की हिरासत में है विक्रांता। विक्रांता Come on! You bastard! निम्बो, निम्बो, ठाकुर साहब, आप जिंदा हैं? बड़े नीच हो तुम, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ अभी। तुम ना रहो, हम ना रहे, बस हम तुम दोनों भूल जाए। छोड़ दे मुझे। कब से तमन्ना थी तुम्हें अपना बनाने की? अरे कोई है? कोई है? ठहरो, बचाऊंगी, बच के जाने ना पाए, खत्म कर दो इन दोनों को। तुम दोनों नहीं बचोगे। छोड़। रामजादो, कौन हो तुम लोग? ये ठाकुर जसवंत सिंह के आदमी हैं। हम दोनों की जान लेना चाहते हैं। ओ, तो तुम ठाकुर जसवंत सिंह के आदमी हो। जाके कह देना अपने ठाकुर से कि तुमने ठाकुरान और उनके बेटे को खत्म कर दिया।
बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे, नहीं तो हमको मारने ही डालेगा। विक्रांता, तूने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे की जान बचाई, लेकिन मेरे पति की जान क्यों ली? तूने मेरे ठाकुर पे गोली चला के मेरे बच्चे को यतीम और मुझे विधवा क्यों बनाया? बोल, जवाब दे। नहीं ठाकुरान, मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने ठाकुर साहब का खून नहीं किया। तू झूठ बोलता है, तू एक डाकू है, डाकू। ठाकुरान, आइए मेरे साथ, आज मैं आपको सच्चाई के दर्शन करवाता हूं। आइए। ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर जिंदा है, ठाकुर, हे भगवान, मुन्ना, ये तेरे पापा है। पापा, पापा। ठाकुरान, ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं, ये किसी को नहीं पहचानते। नहीं ठाकुर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठाकुर, याद कीजिए, ये छोटा सा था जब आप इससे अलग हो गए थे, देखिए इसे, याद कीजिए इसे, इसका प्यारा प्यारा बचपन याद कीजिए ठाकुर, इसका इसका मुंडन संस्कार याद कीजिए ठाकुर, याद कीजिए हमारी शादी की सालगिरह याद कीजिए ठाकुर, हमारे महल में नाच गाने का जश्न याद कीजिए, याद करिए वो ठाकुर, ठाकुर याद करिए वो हमारी हमारी शादी की सालगिरह और हमारे महल में वो नाच गाने का जश्न ठाकुर। और राजा और मेरे साथ हाथी की सैर, ठाकुर याद कीजिए वो, याद कीजिए वो ठाकुर, याद कीजिए वो, याद कीजिए, याद कीजिए, और उसके बाद उस बक्कार जसवंत के साथ आपका आपका शिकार भेजा, याद कीजिए ठाकुर, याद कीजिए, याद कीजिए ठाकुर, ठाकुर याद कीजिए। हरनाम, उस दिन तो तू मेरी गोली से बच गया था, लेकिन आज तेरे साथ साथ तेरी बीवी और बेटे को भी खत्म कर दूंगा। ठाकुर साहब, जसवंत मुझे मार डालेगा, मेरे बच्चे को मार डालेगा, मेरी बीवी को मार डालेगा, जसवंत सबको मार डालेगा। लेकिन जसवंत यहाँ नहीं है ठाकुर साहब, ये सब मेरे आदमी है। विक्रांता ठीक कह रहा है, ठाकुर ये ठीक कह रहा है। ठाकुर साहब, ये आपका वहम है। लेकिन गोली मुझे जसवंत ने ही मारी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत ट्रक के नीचे कुचलने से नहीं हुई थी, उसे जसवंत ने ही मारा था, और ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कोई सबूत है आपके पास ठाकुर साहब? सबूत है, 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 सबूत मेरे पास है, है, है मेरे पास, अभी दिखाता हूँ। जसवंत के कपड़ों का पंछी जो तुम्हारी मरी हुई माँ की मुट्ठी से घिरा था, इसे मैंने उठा लिया। वाह खोटे, वाह वाह वाह, ये हुस्न मुजस्सम, ये शोला और शबनम, कल की महफिल में जब ये कातिल हसीना नाचेगी तो हमारी सालगिरह की गोल्डन जुबली सचमुच सुनहरी हो जाएगी। मैं नहीं नाचूंगी, हरगिज नहीं नाचूंगी, मेरा देवता विक्रांता है। नूरी भाई, आज से तेरे देवता हम हैं। क्या तू चाहती है कि तेरा नाच तेरे बेटे की चिता पर हो? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, मेरा बेटा, मैं नाचूंगी, जरूर नाचेगी, और आज से हमारी बारादरी में हमारी रखेल बनकर रहेगी। तो कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, निर्मला,
मैं आपका गुनहगार हूं। मेरी पत्नी और इकलौती बेटी गुड़िया आपके पति के जुल्म का शिकार हो गई थी, इसलिए मैं आपकी बेटी को उठाकर ले गया था। ले तो गया था उसे गला घोटकर जान से मार डालने के लिए, लेकिन उसकी मासूम आंखों में मुझे अपनी गुड़िया नजर आने लगी, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाल लिया। मतलब मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी निर्मला जिंदा है। हाँ बहन, बता बता कहाँ है वो? इसकी बात पर न जाना जयश्री, ये अव्वल दर्जे का मक्कार, शराबी और धोखेबाज आदमी है। ये अपने कोठे पर नाचने वाली लड़की को हमारी बेटी साबित करना चाहता है। आप हर चीज को कानून के चश्मे से क्यों देखते हैं? कैसे पिता हैं आप? अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी खबर सुनकर भी आपका दिल नहीं पसीजा? ठहरो जयश्री, ममता के अंधे जज्बात में बहने से पहले मुझे असलियत मालूम करने दो। अगर तूने वाकई मेरी बेटी को यहां से उठाया था तो बता इनमें से कौन है मेरी बच्ची? ये साहब, ये आपकी बच्ची है, ये निर्मला। हाँ साहब, यही बच्ची आपकी। मम्मी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, यही मेरी बच्ची है। इसका मतलब विक्रांत डाकू मेरा दामाद है और वो बच्चा हमारा नवासा। जय श्री। किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है तकदीर ने मुझे आज? कमिश्नर साहब, भगवान के लिए अपनी बेटी की इज्जत और उसकी जिंदगी बचा लीजिए साहब, भगवान के लिए साहब। Welcome, Happy birthday, Jaswant. For your golden birthday, a golden present. Oh, beautiful, beautiful. Please. Thank you. Jaswant, my brother. Happy birthday. Thank you.
रब्बा करार किया है, हाय रब्बा, मेरे सीने में धड़के हैं तेरे दिल की धड़कन, उम्र के 18 साल मेरी जान के दुश्मन, उम्र के 18 साल मेरी जान के दुश्मन, जान के दुश्मन, आन के दुश्मन बन गए मेरी उलझन, गर गर काल मेरी जान के दुश्मन, ये गुस्ताख, ले संभाल अपना बच्चा। तू? बेटी, बेटी मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। जमाने के जुल्मों से तुमने मुझे एक शराबी बना दिया था। हाँ हाँ बेटी, मैं जब नशा उतरा तो तुझे वापस लाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, रुपए जमा किए, तेरी बहुत तलाश की बेटी। देखा बेटी, देखा ऊपर वाले का इंसाफ, ये चंडाल औरत इस मुन्ने की जान लेना चाहती थी। है कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, बेटी मैं तेरा बाबा नहीं बेटी, नहीं बेटी, मैं तेरा बाबा नहीं, ये कमिश्नर साहब तेरे पिता है बेटे, कमिश्नर साहब तेरे पिता है। ये सच है? हाँ, ये ठीक कह रहा है। जब तुम बच्ची थी तो ये तुम्हें हमारे घर से उठा कर ले गया था। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, आप अपनी अपनी बेटी को घर ले जाइए कमिश्नर साहब, वरना ये खूनी दरिंदा, वैसी बदमाश, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। बाबा, बाबा नहीं, माफ माफ कर दे। कमिश्नर साहब, ये कमीना इस मशहूर तवायफ नूरी बाई, मेरा मतलब है कि आपकी बेटी के इस बच्चे को किडनैप करना चाहता था। मैंने तो इस पर गोली चलाकर कानून की मदद की है कमिश्नर साहब। ये झूठ है, ये हत्यारा है, इसने बाबा की जान ली है, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इन विदेशियों के आगे पागलों की तरह नाची, वरना ये मेरे बच्चे की जान ले लेता। जान लेना और औरतों की इज्जत से खेलना तो जसवंत की पुरानी आदत मशगला है। हरनाम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू जिंदा है? यानी विक्रांता की गोली खाने पर भी तू मरा नहीं? मत छू मुझे कमीने, गोली मुझे विक्रांता ने नहीं, तूने मारी थी। कमिश्नर साहब, इसकी गोली खाकर मैं अपनी याददाश्त खो बैठा और दर दर की ठोकरें खा रहा था, कि विक्रांता ने मुझे बचा लिया। फिर इसने मेरी पत्नी की इज्जत लूटनी चाही, उसकी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, उन्हें भी विक्रांता ने ही बचाया। ये इंसान नहीं, शैतान है, दरिंदा है, दरिंदा। कमिश्नर साहब, विक्रांता तो फरिश्ता है, फरिश्ता। ठाकुर जसवंत सिंह, आज तुम्हारी मक्कारी और गुनाहों का रंगीन पर्दा पूरी तरह चाक चाक हो गया है और तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। बोलो, कौन है तुम्हारे ये गैर मुल्की मेहमान? ये आप कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब? ये सब तो मेरे दोस्त हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं,
ये लोग दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं। और इन मटकों में कोकेन, ब्राउन शुगर, गांजा और अफीम है। जी हाँ। इस संदूक में क्या है? कमिश्नर ब्रदर, इस संदूक में सोने के बिस्कुट और अमेरिकन डॉलर्स। जसवंत ब्रदर हमको वो माल देता है, हम जसवंत ब्रदर को ये माल देता है। हमारी ये तिजारत बरसों से चली आ रही है, यहाँ की पुलिस इसे देखकर भी देखती नहीं, इसलिए कमिश्नर साहब समझ लीजिए कि आपने भी कुछ नहीं देखा। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस मैन। जसवंत ब्रदर, जिस देश में ऐसा डेंजरस पुलिस ऑफिसर हो वहां रहना बहुत खतरनाक है। अब आपके पास हमारे मुल्क में गोल्ड है और यहाँ गन है और ये ब्यूटीफुल गोल्डन गर्ल। अब तुम अपने पुलिस वालों के पास वापस जाओ। जाइए। और क्रिस्टो, तुम उस बच्चे को खलास कर दो। जरूर जरूर। नहीं, आ, आ, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। विक्रांता नाम है मेरा। ए, पकड़ो। अपने अपने हथियार फेंक दो, वरना आज इसका जन्मदिन इसकी मौत का दिन हो जाएगा। मुनीम, तू ही ले गया था ना पिताजी को हवेली में, बोल उनकी हत्या कैसे हुई और किसने की? बेटा, फिर बापू से जमीना के कोरे कागज पे ये दस्तखत करवाना चाह रहे थे रिश्वत दे करके, तेरे बापू ने ना बोला, इन्होंने तेरे बापू को जान से मार डाला। मैंने वो समझाया, मत मारो, मत मारो। वकील जी, जमीनों के जाली कागजात किसने बनवाए? मैंने, लेकिन लेकिन ठाकुर साहब के कहने पे बनाए थे। खोटे, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है ना तू, जो खरी रिपोर्ट को खोटी कर देता है। बोल, थाने के सिपाहियों को किसने मारा? बोल। ठाकुर साहब ने। और डीआईजी खान के घर में पुलिस के लूटे हुए हथियार किसने रखवाए? बोल। मैंने, लेकिन ठाकुर साहब के कहने पर। देख लिया कमिश्नर साहब, डाकू मैं नहीं ये है, पुनी मैं नहीं ये है। कमीना, थैंक यू जॉन। ठाकुर, खबरदार सिपाहियों, अपने हथियार नीचे फेंक दो, वरना तुम्हारे कमिश्नर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। कम ऑन जसवंत ब्रदर, कम ऑन, कम ऑन, फास्ट फास्ट। गार्ड, होशियार, उड़ा दो हरामजादे को। कीजिए कमिश्नर साहब, अपनी पुलिस वैन में हमें सरहद पार करवाइए। चलिए चलिए चलिए, बैठिए अंदर। चलो। ये कमबख्त ऊंट कहां से आ गए? हिंदुस्तान की सड़कों पर ऊंट? क्रिस्टो, हाँ, ये ऊंट रास्ता रोके बैठे हैं, जाके हटाओ इन्हें। ओके, जाओ। गार्ड, गेट अवे, गेट अवे, मूव मूव, आउट आउट, जाओ जाओ जाओ, ऊंटो। अरे, ये गोलियां कौन चला रहा है? अरे, पीछे से भाग निकलो। Thank you.
कमिश्नर साहब। शाबाश, गॉड ब्लेस यू माय सन। जाइए सर। अच्छा अच्छा बेटे। विक्रांता था। हाथ में बंदूक हो तो गीदड़ भी शेर हो जाता है। बाप का खून, तूने गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली, तूने एक ईमानदार पुलिस अफसर पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे हथकड़ी लगवा दी, तूने मेरी देवी जैसी माँ की जान ली हरामजादे। आज मैं तेरे हर जुर्म का हिसाब गिन गिन के लूंगा कमी। चाची चाची, ये तूने क्या किया चाची? तू बीच में क्यों आई? मैं बीच में ना आती तो तेरे पिता की अस्थियां जो तेरी माँ ने मुझे सौंपी थी ये तो मैं कौन डालता बेटा? अम्मी जान, जा बेटे, तेरी चाची का दम उस शैतान का खात्मा देखे बगैर नहीं निकलेगा। जा, तुझे खुदा का वास्ता, जा बेटा, जा। जा विक्रांता, जा।
सच्चा कहा है जसवंत, भगवान की धरती बहुत बड़ी है और तेरे गुनाहों के कदम बहुत छोटे। जिस तरह एक जख्मी सांप अपने बिल से निकलकर जान बचाने के लिए भागता है, आज मैंने तेरी वैसी हालत कर दी हरामजादे। भाग सकता है तो भाग। ये ले भैया, इसमें तेरी माँ की प्यार की भक्ति, एक बहन की दुआओं की शक्ति और तेरे बापू का आशीर्वाद शामिल है। ले। और मार इसे। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सारे खेत वापस कर दूंगा, तुम्हारा घर नोटों से भर दूंगा, इस तराजू में तुम्हें सोने की ईंटों से तोल दूंगा, मुझे जाने दो। आज मेरी बंदूक के आगे तेरी इन हराम की चीजों का वजन बहुत कम है जसवंत, बहुत कम है। नहीं विक्रांता, ये रहे जमीनों के वो जाली कागजात जिन पर तुम्हारे पिता चौधरी अमर सिंह के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लगवाए गए थे। गांव वालों, आज से तुम सब अपनी अपनी जमीनों के मालिक बन गए। जसवंत की लाश को कब्जे में ले लो। ओके साहब, नाव सच्चाई की साहिल पे पहुंच जाती है, मारने वाले से भगवान बड़ा होता है। ये सच्चाई की आवाज है कमिश्नर साहब, मैं अपने देश के कानून की इज्जत करता हूं। कमिश्नर साहब, अगर हमारे देश का कानून जालिमों के लिए तलवार और बेगुनाहों के लिए ढाल बन जाए तो हमारे देश की तकदीर को कोई जालिम खिलौना बनाकर नहीं खेल सकता है। विक्रांता, मैं वादा करता हूं कि इंसाफ की रोशनी में तुम्हारा ये पैगाम मैं इस मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा दूंगा। विक्रांता, विक्रांता बेटे, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा ना।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे है।